रऊफ लाला की हिदायत में बहू हुई बहू। नशा करने वाला कभी बूढ़ा नहीं होता। वो क्यों? जवानी में मर जाता है। बात तो तेरी बिल्कुल सही है चीपर। जवानी का मरने का अपना मजा है तुझे इस बात का मतलब? हाँ, जवानी का अपना मजा है भाई। अच्छा, जनाजे में रश होता है। कैसे? बहुत रश होता है। अबे वैसे मैं भी बड़ा जलील हूँ यार। क्यों? अबे एक जनाजे में मैं गया हूँ, वहाँ सब कंधा दे रहे हैं। अच्छा, मैंने बोला सवाब का काम है, मैं भी कंधा दे दूँ। मैंने जनाजे को कंधा दिया, मुझसे कोई कंधा ले ही नहीं रहा। अबे मैंने बोला क्या, मैंने मारा इसको? तो बड़ा मुश्किल काम दे दिया थी, पर तेरे कंधों में इतनी बड़ी जिम्मेदारी। हाँ, पूरी लाश की। हाँ, आजा बेटा यहाँ पे। मैं तुम्हारे घर में नलका जरूर लगवाऊंगा, पानी आए ना आए नलका जरूर लगेगा। नशा करते हो कोने पे खड़ा, जब मुझे क्या बोले, टुल्ले टुल्ले मोबाइल में लटका हुआ था, ये मेरी गुद्दी पे किसने थूका? कौन था वो? क्या नाम है तेरा? वो इसने हंसाया ना, मेरी हंसी निकली, सब कुल्ली तुम्हारे ऊपर चली गई। चुप, क्या नाम है तेरा? इकबाल चीपर। ओहो, ऐसे बता रहा जैसे शाहरुख। इकबाल चीपर, तेरा नाम क्या है? गफ्फार खलीफा। गफ्फार खलीफा? गफ्फार खलीफा। गफ्फार खलीफा, जबर नाम है। नशा की करते मैं तुम लोग क्या वीडियो गए हो? अबे वो ये क्या तेरा, ये क्या है? अरे ये मैं आपके लिए गाड़ों से मछली लाया था। अबे ये तो चप्पल है, हो सकता है छोड़ के भाग गई हूँ। मुझे मार रहे हो? ऊपर से फोन करवाऊंगा, ऊपर से, ऊपर से, ऊपर से फोन करवाऊंगा, ऊपर से, कहाँ से? ऊपर से करवाऊंगा फोन। हेलो सर, मुझे जानता नहीं है। मैं कौन? मैं एसएसपी का बेटा हूँ बेटा। एसएसपी क्या मतलब? एसएसपी सत्तार शकूर परवेश, तीनों का। ये तीन बाप है, तीन बाप है। मुझे जानते हैं मैं कौन हूँ? कौन है? कौन हूँ? कौन है? हीरोइन चीन। मैं तो तुझे बड़ा पायलट समझ रहा हूँ। क्या कर रहे थे यहाँ? बता कर क्या रहे थे? इस्त्री खराब हो जाएगी। ओहो, ईद के कपड़े पहन कर आ गए, इस्त्री खराब हो जाएगी। हाँ भाई, हाँ ऐसे निकाल ऐसे। ये बताओ यार, तुम लोग पढ़े लिखे नौजवान हो, कितना पढ़े लिखे हो?
मैं हाँ ब्लैक एजुकेशन कालेज। ये कौन सी तालीम है? हवाला तालीम के लिए मैं जा रहा हूँ। कहाँ? मलीर। हो सकता है ग्रेजुएशन करने में चले जाऊँ कायदाबाद। कायदाबाद जाएगा बता ही तेरा तू ले जाएगा। हाँ तेरी क्या तालीम है? मेरी हाँ मेरी बहुत सारी तालीम है। किसके बारे में चाहिए? मैं तेरे से डिग्री लेने आया, मैं तालीम का पूछ रहा हूँ। वही तो बोल रहा हूँ, बहुत सारी तालीम है, किसके बारे में चाहिए? जेब से निकाले थे। तेरे पास कितने? मेरे पास हाँ एक मिनट। अबे चीपड़ हाँ तू मुझसे कितने पैसे मांगता था? तुम्हारे 500। 500 हाँ आई पकड़ 500। नहीं नहीं अभी नहीं। क्यों? नहीं नहीं अरे अभी नहीं। अरे बाद में मुझे रख हिसाब ही नहीं रखना था। चलो चलो और नशा नहीं क्या करो यार, तुमको नशा करना बुरी बात है। आपको पता है नशा नशा एक लालच है। हाँ सही बोल रहे, अल्लाह की कसम बिल्कुल सही बोल रहे। मैं नहीं करता ये करता है, ये लगा होता नशा है। एक लालत है। लालत है। आप भी छोड़ दो। अबे अबे क्या नशे चढ़ते होंगे, एक दफा मैंने इनके कूलर से पानी पी लिया। क्या नशे चढ़े उसके पेट पे? नहीं मारो क्यों? उसका पेट खराब है। ओहो अबे कौन से फैशन की है ये तूने? जूतों पे ये शॉपर क्यों पहनी? अबे इससे एक फायदा है। क्या? शॉपर खराब नहीं होती। ये सिगरेट क्यों नहीं जला रहा? थोड़ी देर बाद जलाओ। क्यों? बस तू क्यों नहीं जला रहा? अभी गैस आई नहीं है। ये तूने बाटा वालों को पहना था? हैं? क्या बाट गया? पुलिस वालों से मजाक करते हैं? बाटा वालों का नहीं थे, बट रहे थे। चलो बेटा बाहर निकलो। चलो क्या बस चीते कर जा रहे। तुझे मजा आ गया भाई? आज पता लगा वर्दी में कितना फायदा, मेरी थोड़ी है। ये थोड़ी पुलिस वाले, आज पता लगा पुलिस वाले कैसे पैदा करते हैं। किसकी वर्दी है? क्या है ये? ये मेरी वर्दी थोड़ी चाचा। हाँ एक पुलिस वाला नहर पे नहा रहा था। अच्छा बस मैं पहन के आ गया, मैंने चलो चलो कुछ पैदा हो जाएगी, मेरी तो पैदा हो गई है। बेटा तू तो पहन के आ गया। हाँ वो तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा होगा बेटा वो तो। अब उसकी डबल पैदा होगी। वो कैसे? जब वो नहर में से निकलेगा ना लोग उसको बाबा बाबा समझेंगे। क्या पैदा कर गया तू? कितने?
इंसान का बच्चा बन गया जरा, जानता नहीं मेरे को क्या? ये पकड़, पैदा के पैसे 100 तेरे 100 मेरे, समझ गया तू? चल निकल निकल यहाँ से, बताइए बताइए नहीं किसी को, बता रही हो तेरे को मैं? बताऊंगा नहीं, जा रहा हूँ जुआ खेलने। इंसान का बच्चा बन गए क्या? अबे अब तू जुआ खेलने जाएगा तू? तो जीत के आई हो, नंबर बताओ आंकड़े का, आज क्या आएगा आंकड़े में? क्या आएगा छोड़ना, तुझे बता दू, हाथों पकड़ो चले कर ऐसे, चल जा इधर लाई वर्दी। अबे देखो यार, चल तू निकल निकल ऐसे, चल शकील का है, अबे मुझे नहीं पता कहाँ, चल दफा ऐसे पूरे को चुड़िया। बताओ यार, हर आदमी ये वर्दी पहनकर सिर्फ अपना मुफाद ढूंढता है, न जाने कब इन्हें कल आएगी। ये वर्दी तो मैली होती जा रही है, पता नहीं इस वर्दी के पहनने वालों के दिल कब उजले होंगे। उजले तो तब होंगे जब ये वर्दी हमारे को पहनने दोगे। क्या मतलब है, क्या मतलब है तेरा? अरे हम नहर के ऊपर नहा था, अभी नाक पे ऐसे हाथ रख के हमने डुबकी लगाई है, बाहर निकलो हमारे कपड़े गए। गलती तो तेरी है, अबे जब एक दफा डुबकी लगाई ली थी तो बाहर आने की क्या जरूरत थी? अरे बहुत अच्छे, हम अपना ढंग साफ नहीं करे। क्या मतलब है ये? अरे ये वर्दी इधर दे हमारी है। ओए मैं उठा के नहीं लाया हूं, बात सुनो, एक बात मेरी सुन लो बे, जब तुम अपनी वर्दी की हिफाजत नहीं कर सकते, अबे तो क्या कौम की हिफाजत के खास करोगे? अरे चाचा कौम की बात नहीं करो, ये कौम तो हमारे को नंगा करने के चक्कर में है। अबे भाई बात सुन भाई, ये ले ये वर्दी मेरा, तुम ले करा। ओए ओए आराम से बात, ओए 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 तू ये करके बात कर, ओए हमारे अफसर से ओए तू क्या बात, इधर बात सुन भाई, बोलो कभी मुकाबला मुकाबला हुआ तुम्हारा? बिल्कुल हुआ मुकाबला हमारा। ओए छुपकली ठहर जा, मुकाबला हुआ बिल्कुल हुआ। डाकुआ को मारे कभी? डाकुआ को नहीं मारे। अबे काहे का तू पुलिस वाला, कोई बंदा ही नहीं मारा तूने? अरे बहुत, अभी तेरे को मार दूं। चल बे तेरे को मार दूं। खैर कर माइक का, क्या कर रहे है? अरे इसमें हमारा 1,000 रुपए का नोट था, वो किधर है? इंसान का बच्चा बन पे 200 होंगे। हाँ कभी तो सच बोल लिया करो। हम बिल्कुल भी नहीं भूल सकता हूँ, किसी की हक हलाल की कमाई को हमने हराम ठिकाने लगाया। हमारे पैसे दियो। अरे बासुन भाई अल्लाह को जान देनी है, समझ गया ना? ये ले सो तो गए काम में, ये सो रख ले तू। अबे मैंने नहीं लिए, मैंने तेरी वर्दी की हिफाजत की है, मैंने बचाया, समझ गए? पैसे तो तेरे कहते, तेरी वर्दी भी चली जाती, छोड़ दे, लंबा कहानी नहीं करी हो। थैंक यू। इंग्लिश भी जानता है तुम्हें? क्या मैं पढ़ा लिखा हूँ, इसीलिए तो कानून में भर्ती हो गया हूँ। अल्लाह तो तरक्की करे। ठीक है चलो चलो। इसने अभी हराम खाना शुरू नहीं किया है। सही बात है, सब ऐसे नहीं होते भाई, क्या बोल चला गया तू? चल भाई कोई मसला नहीं है यार। दो घंटे से बाथरूम धो रही हूँ, साफ ही नहीं हो रहा, बाल्टियां भर भर के पानी भी डाल दिया, पता नहीं घर वाले लोया खाते। ओ कृष्ण, मेरा तो ऋतिक रोशन यही है। मेरे प्यार में सच सच कहो तुमने क्या किया? कभी धोया कभी साफ किया। आई यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो यहाँ पे? क्या हुआ? तुम्हारा जाने का टाइम नहीं है? क्या कर रहे हो? अबे बात सुन, दफ्तर में मैं कोई 18 ग्रेड का ऑफिसर नहीं हूँ, मैं चौकीदार चपरासी हूँ। हाँ अबे हाँ, सारे आते 10:30 बजे 11 बजे सुबह आते, और वैसे भी मैं अगर चला जाऊँ ना मैं तो मेरा चोरी करने का दिल करता वहाँ पे, लेकिन वहाँ कैमरे लगाओ किसी से थम्पू ना जो मैं। अरे छोड़ दो अपनी अम्मा वाली हरकतें, चोरी करने वाली तुम्हारी अम्मा भी मोहल्ले से चोरियां कर करके आती है। बस कर दे। हाँ लोग समझेंगे थल्ले लगा हूँ तेरे में। खबरदार मेरे से तो ऊंची आवाज में बात नहीं करना तू। अच्छा क्यों? मेरा गला बैठा हुआ है। गला बैठा हुआ है, बात सुनो।
हाँ। मैं तुम्हें एक बात बताना चाह रही थी। बता दे। ये जो अपनी बहन नईमा है ना, बहन समझता हूँ इसको मैं, खबरदार ये वो बात है लड़कियां मुझ पर पड़ती है, छोड़ दे मेरे हुसन से मत जा तू। मुझे देख के मारी जाती है। बहन है मेरी, क्या मतलब है? मैं ये कहना चाह रही थी कि अपनी नईमा बहन है ना, हाँ? मैं चाह रही हूँ कि नईमा बहन की बेटी अपने बेटे शकील के लिए ले लूं। माफ कर दे। क्या हुआ? अपने आप को देख, अपने शकील बेटे को देख, उस फैमिली को देख। अरे वो पढ़े लिखे समझदार खानदानी लोग, और तेरा बेटा वो शकील है? अरे ले जर्सी वो, शराबी वो, जुआरी वो, कौन सा है जो उसमें नहीं है? अरे बस दे रहे वो रिश्ता हमें। मेरी बात सुनो, मेरा बच्चा लाखों में एक है। अच्छा। और माँ के लिए तो हर बच्चा उसका शहजादा होता है। बस मैंने कह दिया है कि मेरे बेटे की शादी होगी नई माँ की बेटी रजिया से। अच्छा, मतलब तुम इधर मेरी भी एक बात सुन ले। क्या सुन लूं? भाई नई माँ से बात कर लियो। हाँ। कि अगर हमारी बेटी की शादी होगी ना, उसके शकील की शादी होगी उसकी बेटी से होगी, तो जो नई माँ का जो बेटा है सलीम, फिर उसकी शादी हमारी बेटी से होगी। क्या बट्टा सट्टा? हाँ बट्टा सट्टा, वरना बारात जाएगी ठट्टा। ये बता रही हूँ मैं, होगा बट्टा सट्टा। बात सुनो, अरे तुम्हारे तो कान के बाल भी सफेद हो गए। अबे तो तू नाई की दुकान क्यों खोल लेती तू है? अच्छा जा, तुम्हें देर हो रही काम। अरे हाँ, मुझे एक बात याद आई। हमारी बेटी है ना ताशी, वो अपने मियाँ के साथ बच्चों के साथ आ रही है हमारे घर में 2 महीने के लिए। दो महीने के लिए? तो तेरी बेटी, वो तेरे नवासे, वो तेरा दामाद। अबे 2 महीने में तो मैं गुजर जाऊंगा अल्लाह की कसम। अरे क्या हो गया? अबे कितना खाते हैं वो लोग? रहने दो, जो भी बंदा आता है ना अपने नसीब का खाता है। माना अपने नसीब का खाता है। वो जो तेरा दामाद है तो बखत मेरी प्लेट से उठा के बोटिया खा जाता है। और वो तेरे नवासे, पता नहीं कितने पहले तो चार थे, पांच है, कितने हो गए वो, तो उनकी तादाद तो रोजाना बढ़ती जा रही है। अरे बस रहने दो। बच्चे खाते 3 दिन, 3 टाइम खाते सुबह शाम दोपहर, तेरे नवासे 6 टाइम खाते वो लोग। बस रहने दो भाई, खाते पीते खानदान के बच्चे हैं, 4 टाइम खाए 5 टाइम खाए तो भाई से क्या है? चलो जाओ काम पे। अब बात सुनो, रात को जल्दी आ जाना। आम ले आऊं? ले आ रहा। कितने? 1 किलो। 1 किलो में 4 होते हैं। कहो ना प्यार आज।
कभी कभी ये मुझे हंसाए, कभी कभी ये रुलाए, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा, कभी कभी ये माशाल्लाह हमारे घर पे यूरोप की मेंढकी आई है। माशाल्लाह क्या हालत दादी की शक्ल वाली सलीम, वो आए घर पे हमारे, खुदा की कुदरत है, कभी हम इनको देखते हैं कभी अपने घर को देखते हैं, जो अंदर खाली है अभी जाएगी गंद हो जाएगी। सलीम मैंने हमेशा कहा है कि तुम मुझसे तमीज से बात किया करो, आखिर मैं भी मशरकी लड़की हूँ। मशरकी लड़की तो देखो यार, अबे तेरे जैसी नर्से सीवल में होती है, सोए हुआ मरीज को उठा के कह रही है नींद की दवाई खा लो, कहा कि तू मशरकी है ना, अपना लंडा बाजार से 700 रुपए की पेंट ले आई है, 200 का शर्ट मशरकी, तू मशरकी है तो हम भी मगरिब के लड़के हैं, जा जाके सूरज गुरूब हो जाता है, तो जाओ ना वहीं जाके गुरूब हो जाओ, दूसरे दिन फिर निकल आएंगे, तो दूसरे दिन जाके फिर गुरूब हो जाना मिस्टर पाकिस्तानी। ये तुम क्या, सारी दुनिया की यही कोशिश है कि पाकिस्तान डूब जाए, लेकिन मेरी जान ये बात याद रखना, पाकिस्तान इंशाल्लाह उफक पे चांद की तरह चमकेगा इंशाल्लाह। दुनिया भर के लोग आएंगे पाकिस्तान का वीजा लगाने, यहाँ वीजा लगा के यहाँ आएंगे ये देख के दूसरे दिन ही निकल जाएंगे कि पाकिस्तान में इतना बुरा सामान, माशाल्लाह इंशाल्लाह कभी मेरी तारीफ नहीं कर सकते। अबे तेरी तारीफ कैसे हो सकती है? अबे लिपस्टिक लगा के आई है, लग रहा कच्चा सांप चबा के आई है। माशाल्लाह उफ सेल्फी, तो एक सेल्फी बनती है ना? वो अहमद शाह साहब एक मिनट में फारिग कर देंगे यहाँ से। कहेंगे अबे तुम लोगों को जितना समझाओ तुम्हारी समझ नहीं आती। ये मेकअप रूम वाले काम यहाँ कर रही है तुम? तो तुम भी कोई ऐसा और बहुत अच्छा काम करके दिखा दो। ऐसी होती है ना जापानी फिल्मों में, ग्रुप में खड़ी खड़ी करी होती थी। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी मम्मा हैं घर पर? ओए हाँ, मुक्का मार के तेरा मुंह तोड़ूंगा। मम्मा नहीं होती हमारे यहाँ, माँ होती है। माँ, मम्मा डिफेंस में, यहाँ बोलते माँ, हरादर में बोलते ए माँ, लालू गज में बोलते ओ अम्मा, और ये देखो रेती यहाँ पे कहती मम्मा। सदके जाओ तेरे मुंह से, क्यों बुला रही है, क्या रिश्ता करना है मेरा? तुम्हारा और मेरा रिश्ता एक ही सूरत पे हो सकता है। वो कौन सी सूरत है जो मुझे याद करनी पड़ेगी? सूरत का मुझे वजीफा करना पड़ेगा। वो ये है कि अगर तुम अपनी बहन का रिश्ता रजिया का मेरे भाई शकील से कर दो तो अपना मुंह देख मेंढकी, वो मांग रही है रिश्ता हम लोगों से। अबे हम पढ़े लिखे लोग हैं, अल्लाह का शुक्र है मेरी माँ पढ़ी लिखी सिलाई मशीन पे मजदूरी करती है, मेरी पढ़ी लिखी मैं कैंसी में कुत्ते पकड़ दो, हम लोग पढ़े लिखे लोग, तुम चाहे लोग तुम्हारे को हम अपनी बहन देंगे। तो क्या हो गया? तेरी समझ में नहीं आती बहन है क्या है, पर समझ में नहीं आ रही, अल्लाह माफ करे तुझे, रिश्ता करे तेरे साथ तो शादी कभी जिंदगी में ना करूं मैं। क्यों नहीं करोगे शादी? क्या है तेरे में, क्या खूबसूरत नहीं हो, हसीन नहीं हो, जवान नहीं हो? माशाल्लाह यार आप बताना, मेरी आंखें खराब है या ये अंधी है? तेरे घर में शीशा नहीं है? है। मुंह से मक्खियां पकड़ने वाली औरत, CNN में आती है ऐसी औरतें, मुंह से जबान से पकड़ झिंग फूं जेड़ा घर को। ओए हिस्से की बात करना भी नहीं, तेरे घर वालों को बोल देना समझे, कहां तुम लोग कहां हम लोग, तेरा भाई एक नंबर का चर्ची शराबी सकेबाज। वाह 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 वाह, मेरे भाई को बिल्कुल भी बुरा मत कहना।
अपने मुल्क को साफ करते हैं ना, शहर को साफ करते हैं, इसलिए गंद ना हो। कुत्ते से कुत्ता काटता है ना, पता चलता है आदमी को। तुझे पता ही नहीं है, तुझे तो कुत्ता काट रहा है, उसको उल्टियां लगी हुई होंगी। वो कोने में जाकर कर रहा है। अच्छा चलो चलो, मुझसे ज्यादा ना शीशम की लकड़ी की बनी हुई हो रहा था, शीशम की लकड़ी। मेरे दादा मुंह नहीं लगो, समझ में आई तुम्हारे? अबे चल बे, हम ठरक करते हैं यही बहुत है ये मोहब्बत, हम लोग तेरे से क्या करेंगे? हमारे लिए लड़कियों की कमी है, अल्लाह का करम है, हर सिंगल में खुश रहे फ्री। पाकिस्तानी ट्रक करने में पीछे नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। शाम को तैयार होगा गुमराह से बीच की मांग निकाल के, कोई भी देखता बोलता वेरी गुड, मांग ऐसे निकाली है जैसे कुल्हाड़ी मार के निकाली। खड़े होकर ठरक करते, बंदा ठरक करता है मर जाता है, फिर उसके बच्चे करते हैं, फिर बच्चों के बच्चे करते हैं, ये कम काम है? तो बस तुम इसी काम में रहना, आखिर मैं भी हसन हूँ, मेरे लिए भी के एक से बढ़के एक रिश्ते आ सकते हो क्या? तेरे लिए रिक्शे नहीं आएंगे, रिक्शे आएंगे, रिश्ते नहीं आएंगे, रिक्शे आएंगे। जा जा अपना काम कर। मैं नहीं जा रही सलीम, पहले बताओ तुम मुझसे शादी करोगे हाँ या ना? मेरे को किसी वक्त भी जो है ना नेटी जेटी की गाड़ी मिल जाएगी, मैं जंप मार के जान दे दूंगा, तेरे से शादी नहीं करूंगा। बे तेरे से शादी तो कर लूं, बच्चे मेरे सोचो कैसे हो। मुंह जिसम मेरे जैसा होगा, मुंह तेरे जैसा होगा, अजीब बच्चे होंगे मेरे तो, टुकड़ू की भी नचाने वाले। तेरे से शादी नहीं हो सकती, बोल देना तेरी माँ को भी, और मेरी बहन की भी नहीं होगी। सलीम ऐसा तो नहीं बोलो, ऐसा नहीं बोलो, तेरी माँ एक नंबर की जादू करनी है। हकीकत है, शाह हकीकत के मदार पर ताबीज लेने जाती है, सेवा में लंगर लूटती है। इतनी हम लोग यूं लूट रहे होते, यूं और यूं लूट रही होती। मेरी माँ इतनी शरीफ औरत है और उस पर इल्जाम लगाते हो। बहुत शरीफ है तेरी माँ, बहुत शरीफ है, माशाल्लाह। नवाज शरीफ और तेरी माँ में कोई फर्क नहीं है। वो नवाज शरीफ, एक तेरी माँ शरीफ, तेरा अब्बा ही पता नहीं समझ में नहीं आया, तब्दीली ले आ रही है वो। अच्छा नहीं कर रहा तुम मेरे साथ, बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहा। रोती है खुदा की कसम, रोती है नीचे का और चौड़ा हो जाता है। क्या आपने फिटिंग सही करवा, आजकल इंजेक्शन निकले हुए, तेरा गलती से ऊपर वाला होंठ नीचे लग गया। बहुत बुरा कर रहे हो तुम मेरे साथ, देख लेना मैं छोड़ूंगी नहीं तुमको। बुरा कर रहा, तू बड़ी ईश्वरिया राय। ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस दे वो इसका कॉन्फिडेंस। यहां से रिक्शे में बैठ के जाती, तारीख जा रही होती है, रिक्शा वाले कह रही हाउ मच, क्या लेंगे आप रिक्शे वाले तारीख रोड का? वो कहते 150 रुपया। हाँ 150 रुपया, मर गया अभी तो 50 रुपये में आई हूं। तो इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि मुझे एक गाड़ी दिला दो ना। तेरे को वो गाड़ी दिलाऊंगा, आगे बिठा के पीछे से मैं चलाऊंगा। बस तू अपने ऊपर दही डाल लेना, लोगों को लगे कोड़ निकला हुआ, और यूं करके बैठे। सलीम बहुत बुरा कर रहे हो तुम, देख लेना मैं अपनी माँ से सारी शिकायतें तुम्हारी करूंगी, और फिर तुमसे कभी भी शादी नहीं करूंगी। एक शर्त पे शादी होगी तेरे। वो कौन सी शर्त है? इधर आओ। हाँ? नाक दिखा। तेरे नाक में बाल है। तू चीख मारेगी मुझे कोरोना हो जाए। मुझे शक है तेरे, तू कोरोना का पेशेंट है। अल्लाह ना करे सलीम। अल्लाह तो नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तानी तो कर रहे हैं। अबे जब हो गया, डर रहे हो तुम लोग, तो किसी से मिलो नहीं, घर में अपने सेपरेट हो जाओ। ये समझ लो हर रोज हफ्ता है, कमरा बंद करके अकेले बैठे रहो, घर वालों से बचो, 15 दिन सेफ्टी रहेगी, कोरोना फैलेगा तो नहीं। हाथ मुंह धोया, तू भी धो लिया कर हित के। मैं धोकर तो आई हूँ ना, तो फ्रेश होके आई हूँ बिल्कुल। माशाल्लाह, फिर भी अंदर से अच्छी नहीं निकली। शाबाश है, तू अगर मेकअप कराया ना शादी का, जमजमा इधर तारीख रोड नहीं जाना। क्यों? मेवाशा चली जाना, सही का मेकअप करेंगे मुर्दों वाला। जा जा अपनी माँ को कहते मैं कोई शादी वादी नहीं करूंगा, ना अपनी बहन की ना तेरे से। ठीक है आपने चैलेंज किया है, मैंने मैं भी शादी करके रहूंगी। और तुम अम्मा, ओ अम्मा बुला रही हो मेरी माँ को।
बेटी तो ना बोल अम्मा, इस तरह मेरी बहन बन जाएगी। हर आदमी मुझे कह रहा होगा बावली के भाई कहाँ जा रिया। अच्छा बाबा नहीं बोलती, क्यों तंग कर रहा है मेरी बहू को? बस ये कुछ सही है नहीं है ऐसा ही सा। बहुत ही तू तो ना। अच्छा सुन बेटा। जी अम्मा। तेरी माँ घर पर है? जी जी घर पर है। अच्छा तू ना रजिया के पास जा, मैं जरा तेरी माँ के पास जा। ठीक है। आई लव यू। अम्मा डिटॉल से मुंह धो लियो। क्यों? कोरोना फैला हुआ तुझे नहीं पता, दोबारा वापिस आ रही है। अल्लाह ना करे। अरे अल्लाह ही कर रही है, और कौन कर रही है? शाह साहब थोड़ी कर रहे, वो तो बेचारे एहतियात बता रहे हैं। यहाँ पे कोने में खड़े हो गए, आपको मास्क दे रहे हैं, किसी आर्टिस्ट ने मास्क लगाया? कोई नहीं लगा रहे। मैं अकेला लगा के घूम रहा हूँ, मैंने मास्क लगा के घूम रहा हूँ, मुझे लोग नहीं पहचाने। मुझे एक आदमी ने आके कह दिया भाई पानी पिलाइए जरा, मास्क लगा था, दो गिलास पानी पिलाया। फिर मैंने कहा मैं हूँ भाई। फिर अच्छा सॉरी यार, आपने हो, चलो एक गिलास और दे दो। चलो अच्छा है, अम्मा लगे नहीं एहतियात करो, लड़कों को लड़कियों को बोलो ये वो माहौल नहीं है, दूर दूर बैठो, एहतियात है। ऐसे भी दूर बैठने ही चाहिए, इंसान को बैठना चाहिए, एहतियात बहुत जरूरी है अम्मा, समझा कर। मैं जरा रजिया की माँ के पास जा रही हूँ। मैं अंदर जा रही हूँ, वो रजिया के पास गई है ना, कहीं रजिया के मुंह पे छींकी ना मार दे वो। अच्छा अम्मा मैं जा रहा हूँ। मेरी अम्मा मुझे इतनी प्यारी है, तुझे क्यों नहीं हो रही? यूं बोलो ना, हाँ इधर रख लेते हैं, इधर से निकाल लेते हैं। और सुना क्या हाल है? सुन कहाँ से आ रहा है तू? जुआ खेल के। तू जुआ क्यों खेलता है? अच्छा मैं खेलता हूँ, इतराज है। वो क्रिकेट में सट्टा लगाया जा रहा है, उनको कोई नहीं पूछ रहा है क्या भाव आ रहा है। 30-32 लगा दो। सिगरेट में कितनी बदबू है। जाहिर है कि अगरबत्ती छिड़क के फिर चस वाली सिगरेट पीऊं। चस में इतनी बदबू। एक दफा कश ले ले खाला, मैं तो पूरे काम को टुन करना चाहता हूँ, समझ गई? तेरी पर्ची गिर गई, ये किस चीज की पर्ची है? अम्मा की दवाई की। सट्टे की है, सट्टे की, आंकड़े की। सट्टा? हाँ दुआ कर, आंकड़ा लग गया, टंडेला लग गया, कोई फोरकास्ट लग गया। आफरीन झूठी है यार, है? बोल के आई नहीं। माशाल्लाह बहुत अच्छे काम कर रहे तू। ये देखा ले, तू एहसास करती, मेरे घर वालों को मेरा काम ही नजर नहीं आ रहा। क्यों? कह चस मैं पीता हूँ, जुआ मैं खेलता हूँ, कुप्पी मैं पीता हूँ, सट्टा मैं लगाता हूँ, फिर भी कहते कोई काम कर। इतने सारे काम करने के बाद आदमी थकता नहीं है क्या? हाँ खाला माशाल्लाह क्या कर रही है, तो मुँह में मक्खियां भी लग रही है। चुप कर, मैंने तेरे को देखा हुक्का पीते हुए देखा। तुझसे कौन शादी करेगा कम्बा? तू नहीं करेगी अपनी बेटी से? मैं तो क्या, कोई भी नहीं करेगा तुझसे। अरे तो क्या मरती हैं लड़कियां नहीं बीमारी से, और तेरी बच्ची भी मरेगी देखना। तेरे मुंह में खाक मनुष्य। खाएगा खाक, अभी कुप्पी पी के आ रहा हूँ, जायका खराब कर रही है मेरा। मुझे क्या पता, मैं तो खुद दो दिन बाद आया हूँ। तू आज भी नहीं आता, क्यों आया? मैं आ गया, वो छाप चढ़ गई थी ना जुए पे। छाप? कर्जा। कर्जा? हाँ। अल्लाह तेरे ये कर्जा कौन उतारेगा? खान साहब चंदा कराएंगे मेरे लिए। क्यों? तू लीडर है? गाली मत देना। हैं? गाली? हाँ ये गाली है मेरे लिए। कहाँ जा रही है? तेरी अम्मा के पास जा रही हूँ। जा रही है? हाँ। गई नहीं अभी तक, कहीं खड़ी है? जा रही हूँ। और सुना
अला हाँ? गई नहीं? क्या बदतमीजी है ये? क्या बात? शुरू करीब से भी तू बुरी है। तुझसे तो बहुत अच्छी हूँ मैं। अला एक बात बता, एक बात बता, ये पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है खाला? बेटा क्या बताऊं, बहुत गलत तरफ जा रहा है ना। अल्लाह माफ करे, क्या क्या हो रहा है? देखो यार, हाईवे पे ये औरतों के साथ, माओ बहनों के साथ क्या हो रहा है, बच्चियों के साथ क्या हो रहा है? सब सजेशन दे रहे, उल्टा टांग दो, फांसी पे लटका दो, मेरे से मशवरा लेना। तेरा क्या मशवरा है बता जल्दी। मैं तो एक आग की भट्टी बनाऊ, उस पर लिखू जहन्नुम, और आग जलती हुई हो, जो ऐसे मुझे पकड़ा जाए अंदर घुसेड़ो। ना इनको कब्र की मिट्टी मिले, ना जमीन मिले, ये कब्रिस्तान में भी तंग करेंगे मुर्दों को, पूरी दुनिया के सामने करेंगे सब। अल्लाह की कसम, इनको तो अंदर घुसेड़ो, दुनिया से बुराई खत्म। सही बात है। बताओ क्या हो रहा खाला? कब होगा ऐसा? हैं? कब होगा? बस ऐसा? दुआ कर मैं वजीर आजम बन जाऊं। अल्लाह करे इस बात पे तो तू बन ही जा। मेरे को चार वोट नहीं देता कोई, वो बन जा। काम कर रहा है, इसमें हो जाएगा। अब तो एपीएससी भी शुरू हो गई, सारे इकट्ठे हो गए, अल्लाह खैर करे। अच्छा सर, हाँ गई नहीं अभी तक खाला? है खाला? आ जाइए। क्या खाला है? आला है, आला आला। हाँ भाई, डेंटोनिक के सेट। क्या हाल है अब्बे? अब्बे बाप उतरा बाप। अब्बे क्या? अब्बे क्या बे? क्या अब्बे? हाँ क्या? हाँ ओए साहब का वजीर आजम के सर वाले। तमीज से, तमीज से। क्या हो गया? बासुर पे बासुर नहीं, अब्बा क्या होता है? क्या क्या कहूँ अब्बा, नहीं तो क्या? अबे जरा डैडी वैडी बोल दे, जरा माहौल बन जाएगा मोहल्ले में। जरा क्या बोल दो? डैडी डैडी। मेरा दिल करा मैं तुझे मामू कह के फारिग करूंगा। डैडी का मुंह तो देखो, मुंह तेरा बाबूजी वाला, बाबूजी वाला, ओए अब्बा वाला है। निकल 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 निकल। क्या छुपा रही है? कुछ नहीं ना। क्या है? ओ आम हां, बासुल जायदाद में तीन हिस्सेदार हैं, चौथा आया ना बहुत अजीब हो जाएगा मसला। ये बता दे, ये आम बहुत खा रहा है तू अब्बा? हां अबे आम के सीजन खत्म हो गए, हमें एक नहीं मिल रहा, तू ढूंढ के कहां से ले आता है? फालतू बात नहीं, मैं जानू आम जाने, जानू जाने, तुझे क्या बच्चा जाने? तू जान, तेरा काम जाने ले, पकड़। भी उस्ताद पंछी 5,000 रुपए तेरे पास पैसे आए कहां से भाई? आम खा, गुठली मत गिन। अबे गुठली की बात मत करियो, बता दूं तुझे मैं। हां बाप, खिड़की से तेरी मां ने फेंकी 4 गुठलियां। हां तो किसी और ने फेंक दी। अब 6 गुठली का इल्जाम तो मुझ पर आ गया ना। लेकिन अभी तो मैं गिन के आ रहा हूं, वहां पे 10 पड़े हुए। वो पुरानी होगी भाई, देख ले उसमें जरा 4 जो गीली होंगी और 6 काली रंग की होगी, सूखी भी होगी। अच्छा हाँ, ये बता रहा हूँ मैं। अच्छा भाई बासुन, हाँ तुझसे एक बात करनी है। मुझसे? हाँ कर ले। शादी कर रहे हो? बासुन बे, बाप होगा घर का। हाँ। अम्मा पे सौतन लाया ना, बहुत बुरा हो जाएगा। पूरी बात सुन ले, शादी कर रहा हूँ तेरी बहन की। हाँ उसकी कर दे, इससे पहले वो निकल जाए। रोजाना दीवार नापती है वो, अब तो चाटना भी शुरू कर दिया, शायद खत्म हो जाए। आउटर से आज माजूद निकल आए। मेरी बेटी है, खानदानी लोग है, खानदानी लोग। बड़ा खानदानी लोग है, खानदानी। खानदान में 3 लोग जिंदा नहीं है, खानदानी है। अबे हम मैदानी है। अबे पूछेगा नहीं किससे कर रहा हूँ? किससे कर रहा है? बासुरी नईमा बहन है ना। अबे नईमा से नहीं कर रहा। अच्छा उसका बेटा नहीं सलीम? कोई देखा भाल है? गवर्नमेंट नौकरी भी उसकी। उससे ना करियो, केएमसी में कुत्ते पकड़ता है वो कुत्ते पकड़ता और तू कुत्ते है तो गवर्नमेंट सर्विस तो है भाई, नहीं करता। अच्छा पाकिस्तान से कुत्ते खत्म हो, उसकी नौकरी तो गई ना। चलो पाकिस्तान से कुत्ते खत्म हो गए, मेरी नौकरी चली गई, तेरा जुआ बंद हो गया, फिर चरस बेचना शुरू, चरस बंद हो गई, फिर कुप्पी शुरू, कुप्पी बंद हो गई, फिर हीरोइन, हीरोइन भी बंद। चल मैं शादी करनी है, कर, मेरा धंधा क्यों बंद कर रहा तू? इधर आओ चाचा, तुम्हारा बेटा जो है ना बहुत बिगड़ गया, मेरे को रिपोर्टें आ रही हैं इसकी। अबे यार एक आध आम तो कट्ठा निकल जाता ना यार, छोड़ दे। लेकिन कभी मीठा चाहिए हो ना मेरे को बोलना। अब
अबे तू बोल क्यों रहा है, दे के आ जाएगा। अच्छा मेरा मतलब है कि मुझे दे दिया कर, मैं समझा कर। अबे बात सुन ले भाई, दिखने दिल का अच्छा है लेकिन शादी के बाद मैं बता रहा हूँ, ये शादी के बाद ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं हुआ फिर तुम्हारा नसीब है भाई, इस फटे में मुझे बटा लो, तुम जानो तुम्हारे शादी आने। हाँ ये सुनो, जाहिल है तुम्हारा बेटा, एक नंबर का जाहिल है, नशा करता है, हीरोइन पीता ही है। कौन ये खाला ने पहले 8 दिन पहले पता है इसको क्या कहा? क्या कहा? बेटा दही लेके आ जाए जरा जल्दी, आधा किलो। फिर मेहमान आने वाले, जरा जल्दी आ जाइयो। 4 दिन बाद दही लेके आया, कोने पे घिर गया, फिर घिर के कह रहा है घर वालों को जल्दी बहुत होती है यार। तू अपना बताना, हर जगह बैठ के टॉयलेट करते हैं। हाँ पुलिस ने पकड़ा तो कह रहा सबूत तो उठा लो। जाहिल आदमी, मैं उठाने लगा, आगे क्या कह रहा है? अबे ये तो मेरा है, अपना उठा। इसके साथ कभी मत जाना। इसके साथ? इसके साथ क्यों? अबे मैं इसके साथ गया हूँ जंगल में, शेर आ गया। फिर मैंने शेर के आंख में मिट्टी डाली है। अच्छा। मैंने कहा भाग, कह रहा तू भाग, तूने मिट्टी डाली। जाहिल आदमी है, टैक्सी चला रहा था ना, आयल चेंज कराने के लिए कब्रिस्तान चला गया, खाली कब्र खड़ी खुदी हुई थी, उसमें जाके गाड़ी खड़ी करके गोरखर को कह रहा इसका आयल चेक कर। इसको भी मैयत में मत ले जाना अब्बा कभी। मैयत में तुम क्या कह रहे हो? इसको बोला जाकर कब्र खुदवा, रिजवान साहब नहीं मरे मोहल्ले में, बड़े मियां बड़ा दुख हुआ उसका यार, वहां खुदवाने गया, इतना खुदवाया नीचे से पानी निकल आया। गोरखर कह रहा अबे मुर्दा दफनाने आयो, पंप लगाने आयो? उसी कब्रिस्तान में कब्र पे फ्रूट पड़ा हुआ था, उठा के फ्रूट खाने लगा, कह रहा यार लोग सही कहते कब्र का फल मीठा होता है। अबे सबर का होता है, किसी जाहिल की औलाद। सबर वालों को जो है शुगर, तो शुगर वालों को ना, शुगर वालों को सबर मना है। क्या मतलब है? शुगर वालों को डॉक्टर कहता है सबर मत करना। क्यों? शुगर का फल क्या, सबर का फल क्या होता है? मीठा होता है। तो मना हुआ ना। अबे बातें खत्म कर दो, समझ गए, तुम्हारी बातों में 90 मिनट निकल जाएंगे, बता रहा हूँ। अरे बात सुनो चाचा, कुछ भी नहीं, हम 90 मिनट के चक्कर में हमने 14 सफे निकाल दिए, ये बता दूं, कसम खुदा की 23 तारीख से पूरा दुखाऊंगा इंशाल्लाह। हंसने की बात नहीं है, सही बोल रही हूँ। 90 मिनट आगे 6 महीना कोरोना में फंसे रहे हम लोग, तो वो कहाँ निकलेगा अब्बा? ये अल्लाह ने दोबारा ये खुशियां दिखाई, कोरोना थोड़ा सा हल्का सा गया लेकिन पूरा नहीं गया, ध्यान रखना। माशाल्लाह इतने सारे डाकू बैठे हुए नकाब डाल के, दुनिया आगे दाढ़ी रखती है, तेरा बाप पीछे रख के घूम रही है। बस समझ लो मेरा बाप खुफिया मुसलमान है। अबे कहा है था बाप बाप यार, छोटा सा था मैं तुम्हारा ड्रामे देखता था, मुझे बाप बना देते यार। ये हमारा बुजुर्ग बेटा है, छोटा सा था, हैं छोटा सा था, तेरे जमाने के जिन भूत मर गए अब्बा, बस एक ही जिन्नात नहीं रह गई है जिसके साथ तू घूमता। आई देर हो रही है, तेरा अब्बा आम बड़े खा रही है बता दूं मैं। अबे कुछ नहीं होता, इसी आदमी की वजह से रेट बढ़ रहे हैं आम के, आम सही 180 रुपए था 150 हो गया, ये बता दूं तेरे अब्बा को समझा ले आम अच्छी चीज। अबे तो मेरा अब्बा आम खा के तेरे घर में घुस रहा है क्या? तो तू बदतमीजी कर रही है यार, बदतमीजी कर रहे हैं। खुदा की कसम वापसी में अच्छी तुम्हारे घर में गुठनी आएंगी, पता चल जाएगा। तरफ से प्रोफेसर बनी रहती है अम्मा, मेरी बात सुन, बस तू एक मर्तबा हाँ कर दे फिर देख तू मेरा कौन देगा अपनी बेटी नशई को, चतसी को, मवाली को। अरे तेरे में कमी क्या है? मेरे में तो कैल्शियम की भी कमी है, गैरत की भी कमी है अम्मा। अरे बेटा जब शादी हो जाती है ना ये सब चीजें खुद ब खुद खत्म हो जाती है। अब्बा भी ऐसे ही था क्या? अरे अब्बा की तो पूछ ही ना तू, पूरी रात गुजर जाएगी उसकी बात खत्म नहीं होंगी। बात सुन, देखिए क्या है, दुपट्टा है। अरे ये कागज है, बस तू समझ ले तावीज है। हाँ, बाबा से दम करा के लाई है। बाबा से लाई हूँ तेरी शादी हो जाए। यही तो ना, तुम लोग बाबाओं के चक्कर में पड़ पड़ के ना, अम्मा अल्लाह की रस्सी छोड़ दी है, बाबाओं के चक्कर में पड़ गए, तभी तो इस नैश में पहुंच गए हम लोग। वो अल्लाह की रस्सी मजबूती से पकड़ो, इंशाल्लाह बेड़ा पार होगा, ये बाबा खुद पकड़े जा रहे हैं मनु। अरे बेटा ये आम बाबा नहीं है, ये कौन सा बाबा है? चौसा बाबा है, लंगड़ा आम बाबा है। आम बाबा नहीं है ये, वो बाबा है
अगर ये ताबीज कोई ले जाए ना बे औलाद वाले, छह महीने में जुड़वा बच्चे हो जाते हैं। ये तो झगड़े वाला केस है अम्मा, छह महीने में जुड़वा, मियाँ तो बहुत मारता हुआ, एक मेरा दूसरा किसका बता। बस तू तू ऐसा कर, एक क्या कर रही है? अल्लाह खैर। साई कहता पूरा मोहल्ला जो कहता ना तेरी अम्मा डाइन है। चुप हो जा। इससे क्या होगा, शादी हो जाएगी? हाँ, मान जाएगी वो तेरे रिश्ते के लिए। कौन? ओ नईमा बहल। अबे उससे कौन करेगा? क्यों? नहीं, नहीं भाई, क्या हो गया, मैं दो दो बच्चे क्या ले। दाल चुन रही है। चुन लिया मैंने तुझे, सारा जहां रहने दिया। हाँ, लोगों के औलादे बिगड़ती, मेरी माँ बिगड़ गई है। अजीब ही हरकत, शिकारी बच्चे को बिगाड़ लिया। मैं इतना शरीफ आदमी हूँ। अच्छी अच्छी बातें करियो। अच्छी अच्छी, हाँ मेरी अम्मी को जो है ना हैजा नहीं है जी, काली खांसी भी नहीं है जी। बासुन, रात को बैलेंस भी डलवा दियो। किसको? किसको? लड़की को। बात ही करेगा तू? मेरी माँ, तेरी जैसी माए जब से आई ना दुनिया में, औलाद नकम्मी होगी। घर बसा रही हो, मुझे छिछोर पने पे उकसा रही हो तुम। वो दो दे आ जाने सड़गाओगी मेरे पे। अरे यार कैसी माँ, जाना पता नहीं कैसे। कैसे ही शकील भाई, आ जा, बात खत्म हो गई, आ जा। इसको रुखसत करते हैं, आ जा। रुदू कर। तू तो क्यों करूं? तेरी मेरी शादी होने वाली। तेरी मेरी शादी? हाँ। क्या हुआ, मैंने कोई लतीफा सुना है? अरे जाओ, शकल देखी अपनी आईने में। अच्छा, शकल का क्या काम शादी में? हा? आदमी में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। शकल से शादी होते ना रंगीले साहब की कभी नहीं होती। चार चार हुई थी दुनिया में, औरत खत्म करने आए थे, खत्म किया, निकल गए। नाना पार्टी करके तो कभी नहीं होती। अच्छा? हाँ हुई थी, पहले दिन ही तलाक हो गई। वो क्यों? उसको जाके देख के कह रहे अच्छी है, हाँ अच्छी है, आ गई मेरा घर बर्बाद करने के लिए। वो दीवार कूद के भाग के बोले पागल है तुम। राजकुमार की भी हो गई थी तलाक। अच्छा? मैंने उनसे पूछा शादी में, क्या बीवी से कह रहे सुनो घूंघट उठाओ, वो शर्मा के उन्होंने तलाक दे दी। मैंने बोला क्या कर दिया, तलाक क्यों दी? कह रही हम समझ गए ये औरत काम चोर है। बचपन में भी ऐसा ही था, स्कूल गया ना, मास्टर ने कहा सवाल ये है, उन्होंने कहा लिख लो गेट ऑफ इंडिया। बोले मैंने सवाल कहाँ किया, हमने जवाब दे दिया है उस हिसाब से सवाल बना लो मास्टर। तौबा तौबा, कैसे अजीब लोग हैं। वैसे आपको भी बड़ी महारत हासिल है चर्स पीने में। तू आज हाँ कर, सब बंद कल से। अच्छा, मसलन? कल से चर्स बंद, शराब बंद, कुप्पी बंद, जुआ बंद। और फिर परसों से फिर शुरू। अरे जाओ जाओ, तुम चर्सी मवाली, एक चर्सी मवाली से ही तो शादी करनी बाकी रह गई है मेरी। अबे कर ले, गर्मियां हैं, आगे सर्दी आ रही, ये भी नहीं मिलेंगे, बता दिया मैंने, बहुत हालात बुरे चल रहे हैं। अरे अच्छा है, खत्म हो जाए, कम से कम माशरे से बुराई तो खत्म होगी। अबे माशरे से बुराई खत्म कर रही है, माशरे से बुराई खत्म करना तो उनको खत्म करो। सन 47 में एक बच्चा पैदा हुआ, 27वीं शब को जिसका नाम रखा पाकिस्तान। वो बच्चा ग्रोथ कर रहा था, पल रहा था, तंदुरुस्त हो रहा था, 65 तक बहुत फला फूला। सब उन्हें फिर मंशूर का टीका लगाया, करप्शन का टीका लगाया, नाइंसाफी का टीका लगा लगा के उस बच्चे को एबनॉर्मल और बौना करके रख दिया। काश ये बच्चे को फलने देते, फिर देखते दुनिया में कैसा नाम होता इस बच्चे का। बात करती जा, उनको खत्म कर जो इस मुल्क को लूट के खा रहा है। तुमने कभी नेशनल ज्योग्राफी देखा है? देखा है। देखा कभी कई 5-6 शेर मिलके एक मासूम जानवर को पकड़ के कैसे चीर फाड़ करते हैं? वो हाल किया है पाकिस्तान का, सबने मिलकर ऐसा ही किया है। कहते हैं हमें पाकिस्तानी होने पे फखर है। अबे वो दिन कब आएगा जब पाकिस्तान कहे हमसे ऐ बच्चों मुझे तुम पे फखर है। बातें तो
हाँ इसलिए कल मेरे को फांसी है ना, इसलिए अच्छी कर रहा हूँ। जाओ जाओ, पहले अपनी सफों में तो इत्तेहाद पैदा कर। क्या सफों में इत्तेहाद? पर जुम्मा पढ़ने जाता हूँ, सफों से निकाल के बाहर खड़ा कर देते हैं वो। कह रहा है तेरे में बदबू बहुत आ रही, बाहर निकल। जाओ चर्सी मवाली कहीं की, तुम्हें तो बस चर्च मिलनी चाहिए। चर्च मिलनी चाहिए, कर रही नहीं कर रही है? चलो मान लेते हैं कि मैं तुमसे शादी के लिए हाँ कर भी दूं, तो क्या गारंटी है कि तुम बदल जाओगे? अबे मेरी गारंटी मांग रही, मैं फ्रीज हूँ। बदल गया, मैं बदल गया, तू एक दफा हाँ कर, सब छोड़ दूंगा। क्या छोड़ दोगे? सब कुछ, गंदी हर चीज छोड़ दूंगा, हर चीज, किसी गंदी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा, किसी भी गलत चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा। मसलन बिजली का तार नहीं पकड़ूंगा, गर्म इस्त्री पे हाथ नहीं लगाऊंगा, बारिश में बारिश होती है खंबे को हाथ नहीं लगाऊंगा, सब गंदा काम छोड़ दूंगा। अरे जाओ जाओ, शक्ल गुम करो अपनी, मैं तो चली अपने घर। बात दबाओ है अच्छी, लेकिन पट नहीं रही मनुष्य। उल्टी सीधी कोई बात नहीं करना। तेरी लल्लो वो चलती, तेरी लल्लो वो चलती, तेरी। अरे बस एंड का मेरी लल्लो चलती है, मैं तो बोलती नहीं हूँ। मानिका मेरी माँ तो बचपन में मुझे तोते का पानी पिलाती थी, जब जाके मैंने बोलना शुरू करा। हाँ मखा बोलते रहते हो, चुप ऐसे करके खड़े होना। हाँ हाँ, किसी जुमले से पकड़ी मत जाइयो कि हम लोग जात के विरासी हैं। हाँ ख्याल करियो, बोला मत बन, तू डिफेंस 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 ला। हां नहीं मैं पी इंग्लिश इंग्लिश वी आर गोइंग। हां आई एम वेटिंग दिस वुमन। हां क्या बोल रही है? ऐसी बोलते इंग्लिश? तू नीचे पट्टी तो चला उसकी। कमिंग 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 कमिंग, जो भी बोले पट्टी चला नीचे। ओके ओके आई एम गो। हां आप हेट यू आप नहीं मापी बहन आई है वहां से। क्या कर रही हो? अरे मैं हलीमा। अरे तुम तो बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही। हाँ खूबसूरती बहुत है ना। अस्सलाम वालेकुम। असल में ना अब्बा जो थे वो हमारे दिल्ली के थे। हाँ। और अम्मा लखनऊ की थी। अब हमारे खानदान में वो अदब जो है ना वो खून में रचा बसा हुआ है। और हमारी जितनी भी फैमिली है ना आपा वो अमेरिका में रहती है। तो ये सारी बातें आप मुझे क्यों बता रहे? अच्छा अमेरिका में रहती है तो वो किस जगह पे? वो नहीं अब तो सारे मर खप गए, तो वो थे रहते थे नहीं ना, वो पहले न्यूजीलैंड में थे, अब जटलैंड में। असल में सारे पढ़े लिखे लोग हैं, खानदानी लोग हैं। वो मैं भी आपसे बात करनी थी कि हम अपने फर्जंद अपने साहबजादे शकील अर्जुमन क्या रिश्ता मांगना चाहते हैं बेटी रजिया से।
देखो बहन, शादी बियाह कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है, बच्चों का कोई खेल नहीं है। अरे बहन, तुम्हारा बच्चा होगा, हमारा तो फुल जवान चल गया आजकल। हाँ। मतलब ये कि अब वो बच्चे थोड़ी रहे। हाँ ना, देखे ना, हमारे बच्चे हमारी उम्रों के जैसे हो गए। नहीं, कहने का मतलब ये कि देखे ना, बच्चे लड़कों की उम्रें निकली चली जा रही हैं, तो फिर वो बहनों की शादी की वजह से अपनी शादी नहीं करना चाह रहे, चाह रहे हमारी बहनें निबट जाए तो फिर हम शादी करें। अब देखे ना, मैं तो आपसे ये भी कह रही थी कि आप मेरी बेटी को अपनी बेटी बना लें और अपनी बेटी को मुझे दे दे ताकि मैं अपनी बेटी बना लूं। जी। देखिए भाई साहब, ये जो वट्टे सट्टे की शादी होती है ना, इसमें घर बर्बाद हो जाता है। नहीं बहन, आप बिना भाई टेंशन ले रही है, वट्टे सट्टे की शादी में हाँ तो कर दे। वट्टे सट्टे की शादी में तो दोनों घर की सेफ्टी होती है। देखिए, इनकी बहन की मेरे भाई से हुई भी है। हाँ। मेरे भाई ने मेरे इनकी बहन ने मेरे भाई को दम्बू कर दिया, मैं इनको दम्बू करने के चक्कर में लगी हुई हूँ। ये जो आप सारी बातें कर रहे हैं, इस बात की क्या गारंटी है? देखिए बहन, गारंटी की जो बात कर रही हूँ मैं, कोई जनरेटर तो किस्तों पे ले नहीं रहा आपसे। मेरे बात है, गारंटी तो ना आपकी है ना मेरी है, किसी की भी नहीं है। लेकिन बहन, एक बहन का एक भाई से वादा है, मैं गारंटी देता हूं कि आपकी बेटी मेरे घर में कभी भूखी नहीं रहेगी, ऐश करेगी, ऐश शहजादियों जैसी जिंदगी गुजारेगी, शहजादियों जैसी। ये एक भाई का एक बहन से वादा है। भाई, अगर यही बात है तो ठीक है, मुझे कोई इतराज नहीं। मुझे बाबा बोलती, तुमसे मिलने को दिल करता है बाबा। कोई भी खुशी पे काम कर भी। आ, मिठाई मंगा लो, मिठाई मंगा लो। आप मंगा लो, आप मंगा लो। भाई वो भी तो मीठे ही होते हैं ना। ठीक है, आप मिठाई मंगाए, मैं जरा से। बहुत शुक्रिया। आम की क्या बात है, मिठाई आती है इस टाइम पे? अब देखी बात है ना, आम आज बहुत खुशी की खबर है ना। ठीक है, चलो बच्चों को बताते हैं। देख लो, तुम्हारा मियाँ कैसा जबरदस्त कारीगर है। हाँ, एक बात बताओ, ये तुम हमेशा मेरे महके में आके डांस क्यों करते हो? हाँ? वो इसलिए करता हूँ उनको पता चले कि बेटी मिरासियों में दी है। अच्छा, तो अरे कहीं ये नहीं समझ ले कहीं इंजीनियर को थमा दी। अरे मेरे बच्चे कहाँ है? दिए तूने, पूछ मुझसे रही है। देखो मेरे... मुझे क्या पता किधर है ये कमबख्त वाले सारे बच्चे। अरे बाहर जाओ, मेरे बच्चों को लेकर आओ। एक एक करके आएंगे, देखो मैं अभी बुलाता हूँ। नंबर वन।
सच्ची देख इंशाल्लाह, इसके नाक कितना खड़ा है ये देख तू। नंबर चार मेरे बच्चों की पब्लिक आई है, देख ले तू। नंबर पांच, अरे मेरा लट्टू कहाँ है? नंबर पांच आधा मंटू की तरह है, यह छोटा वाला, यह हमेशा रहेगा। कैंगरो के बच्चे बगैर चुंगी दिए हुए नीचे से निकल गया। तो मेरे बच्चों को छोड़कर अंदर कैसे आए? मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, हाय मेरे बच्चे। मेरे छह बच्चे हैं, छह। कोई मुझसे पूछता अरेंज मैरिज है लव मैरिज है, मैंने कहा अम्मा ने कराया था, अगर लव मैरिज होता तो दर्जन तो होते। एक ऐसी बात है, वो कहाँ रह गया? एक और अबे ये कहाँ था? वो यार टिक्की में छुपा हुआ था। अबे ये क्या अंडे दे रहा था उधर? वो यार अंडे दे रहा बच्चे से, हमारे को किराया दो यार। सबर कर ले, तेरे को बहुत पड़ी हुई है, थोड़ा सूर छुरी के नीचे सांस ले ले। ते सांस ले ले, मैं कल से तेरा किराया। खुदा पाकी कसम, पहला पठान देगा जो इतना काला है। ओए ओए गलत बात नहीं करो, मुश्की बोलो, मुश्की। मुश्की तो देख लो, इतना काला क्यों भाई? यार मैं मेहनत करता है, गाड़ी चलाता है, हीरोइन नहीं बेचता है। तो गाड़ी के अंदर बैठ के चलाया करना, तू भी तो छत पे बैठ के चलाता धूप में। ये सब बात कर, सब करले कराया दूंगा, सब कराया दूंगा, सबका दूंगा। एटीएम मशीन आने दे। एटीएम मशीन तो बैंक में होता है। इधर खड़ा हो, देख अभी आएगा एटीएम। अम्मा सुसर अब्बा, अब किधर हो? आगे एटीएम मशीन। ओ यार ये आदमी है। माशाल्लाह देखो मेरे बच्चे कैसे शहद की मक्खी की तरह चिपके किसी गंदी चीज को। हाँ। तो है मेरे। चलो बस कर दे अम्मा, हमारे बच्चे की मुंह मीठ आएगी क्या? है कमबख्त हमारी कौन सी औरतों की इमरान हाशमी लग रही है। हट अबे क्या हो गया? आ गए यार, मैं शोर से बात कर रहा था। ये ओए शोर नहीं करो, किराया दियो। ये बोलता है एटीएम मशीन आगे, किराया दियो। किस बात का किराया? तूने गटर खोल ले तूने क्या? कौन है ये? मैं दे देंगे, आराम से खड़ा हो जाना। क्या हो गया तुझे? मौत आ रही है, दे रहे हैं ना, सबर कर। आ गया वो। अबे के बच्चे किराए पे लेकर आया तू क्या? कौन है ये? मेरे बच्चे हैं, तुम्हारे नवासे, इंसान के बच्चे बनो। अब्बा क्या होगा तुम्हारे को? अबे क्या बात, पहले तो तुम्हारे जब पहले आए तो दो थे ही, तो सारे दे रही है। अबे किस बात के पैसे? तेरे पैसे यहाँ चलते नहीं है क्या? अभी ए? बता दूं क्या कि तुम्हारे पैसे कहाँ चलते हैं? नादर धिन्ना, नादर धिन्ना था। ये बातें वो करने की? मेरे पास मजाक नहीं करो, जैसे मजाक भी नहीं करो। लाओ पैसे दो। कितने पैसे है, कितना किराया? वो पूरा हमारा पा, पा, पा। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं घूमा हूँ क्या? कितने हैं? 7,000 रुपए। तू तो कटनी पहाड़ी पे रहता है, 7,000 रुपए किस बात के? 7,000 है ना इसके। किस बात के? कहाँ से लेकर आ रहा बच्चों को तू? क्या कर रहा है? दो तो सही पहले। देख बच्चा ये ले, सस्ती गाड़ी, ये ले। सस्ती गाड़ी खरीद ली तूने साहब? वो खरीद ली है, किराया यार। अबे 7,000 रुपए किराया? हाँ। किस बात की? चलो निकलो। किस आदमी है तुम लोग यार? खुदा इधर तुम लोग किराया भी नहीं देते। माशाल्लाह देखो कैसे तुम्हारे फ्रेश बच्चे, खुदा पाक की कसम पाल लिया, देख लो। हम लोग आ गए, अब इंशाल्लाह हमारा जनाजा ही निकलेगा यहाँ से। मैं तुम्हारी लाशें आधी को अच्छा था। मैं क्या कह रहा? कुछ नहीं कुछ नहीं, खुशी हुई, खुशी हुई। मेरा बच्चा, मेरा दामाद आया, मेरा दामाद, मेरा भाई। यार कौन सी खुशी है? हां सुनो, बच्चों के लिए जूस और चिप्स लेकर आओ। जाओ काय को। क्यों मेरे बच्चे आए? अबे क्या मेरी दुकान खोल रखी? तेरे बच्चे आए, तेरे बच्चे की बच्चे क्या हो गए? उनके पट्टे आए। खबरदार उल्टी सीधी बात नहीं करना बच्चे। अखरोट कहाँ से लेकर आऊँ? नीचे झुको। क्या कह रहे? नीचे झुको। हाँ। ये ले। ये वाला काम का, लेकिन पत्थर से तोड़ के। आराम से। बच्चा इधर उधर हो गया ना, बता दूंगा तेरे को। मैं स्कूल बंद है बच्चों को। नानाकू नानाकू। हाँ बेटा। एक बात पूछूँ? पूछ बेटा। अरे आपके बाल कैसे गिर गए? अरे अरे बेटा बाल टेंशन से गिर गए। अबे तो ऊपर रखोगे तो गिरेंगे ना। तू भी गिर जा। कैसे
क्या हो गया, क्यों मार रहे? बच्चे सवाल कर रहे थे, बुला, मना कर रहा था, नहीं बुला। जनरल नॉलेज का सवाल है, बच्चे लाड़ कर रहे हैं, कुछ नसीब होते हैं। आ बेटा, किसी और ने पूछना पूछ लो। क्या पूछ लो? हाँ, नानकू एक बात पूछू। दुनिया देख ली? अरे सवाल अच्छा किया बेटा, दुनिया तो मैंने कब की देख ली। अबे तो मर जाओ, चल बे। चलो सही तो कह रहा हूँ, किसी के लिए कुछ छोड़ भी दो। सांस लेने से बेटा, सांस लेने से इंसान जिंदा रहता है। नहीं, सांस लेते पेट ऊपर नीचे होता है। क्या हो गया, सवाल ही कर रहे बेटा। मेरी गुड़िया के हाथ के बाल उड़ गए। बेटा ये तो नाना के मजाक उड़ा रही है, गुड़िया का बता रही है। जो आपके पीछे बचे कुछ है वो मुझे दे दो। भाई बेटियों को कुछ नहीं कह सकते, तेरी ख्याल है बेटा। चल क्या, आ जा मेरा बच्चा, चल कोई बात नहीं। मुझे गधे की सैर करनी है। अच्छा फरमाइश कर रहा, मैं कुछ और समझा यार, गधे की सैर करनी है? हाँ। गधा कहाँ से लेकर आऊँ? बन जाओ ना गधे। तब आ जा। अरे तो बच्चे की फरमाइश है, बन जाओ, थोड़े से काम तो लंबे करने पड़ेंगे बस। तो जा से। अरे मेरे बच्चों को कुछ नहीं करना, खुदा कर जान दे। चलो अच्छा हुआ बेटा तुम लोग आ गए। अच्छा माँ, मैं तुम्हें ये बताना था मैंने कि मैं अपने बेटे शकील की शादी कर रही हूँ नईमा बहन की बेटी रजिया से, और हमारे शकील की शादी हो रही है रजिया से, और सलीम की शादी हो रही है हमीदा से। अच्छा अम्मा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन अम्मा, शकील की शादी रजिया से कैसे हो सकती है? क्यों, तुम्हें तो पता है अपना शकील और नईमा आंटी कैसे मान गई। अरे ये सब बाबा का कमाल है। अच्छा अम्मा, आजकल कौन से बाबा के पास जा रही हो? छोड़ना जरमिया खड़ा खामा खा के लिए, चला अंदर चल के बता। बच्चों अच्छा सुनो, मैं अंदर जा रही हूँ, आप मेरा बैग लेते हुए आना। तुम्हारी बहुत सारे तोहफे लाई हूँ। आ आ जा आओ बच्चों, एक मिनट बेटा, चल दफा हो जा, चल चल चल। अबे मेरे बच्चे बकपक के जुगत बाद कुछ नहीं कर सकते, तुमको बता रहा हूँ ससुर अब्बा। तूने टैक्सी वाले को दिए 500 रुपए? हाँ दिए, बाकी पैसे है मेरे थे। अबे दे रहा है नहीं दे रहा है? बताओ अभी जाके सब साथी को बता दे, डरता नहीं हूँ मैं। अबे किस दिन पहले, दोपहर की पैदाइश? तुम्हारे से दोपहर की पैदाइश क्यों कह रहे हो तुम? क्या छतरी पकड़ के खड़े रहते वहां? उल्टी सीधी बात नहीं करना, मेरे बच्चों को कुछ कहा तो। किसका बेटा ये? मेरा बच्चा। भूल जाता हूँ ना, क्या बताएगा तू, क्या बताएगा? मैं सास अम्मा को सब बता दूंगा। क्या? वही बात, नादिर दिन न था। याद करो, याद करो वो दिन जब तुम छमिया भाई के कोठे पे मुजरा देखने गए थे, वहां धम्बू हो गए थे, तो तुम्हारा दामाद खड़ा हुआ था, मैंने बोला ले जाओ इसको, सजा दो, सब कुछ करो, टेलीविजन पे इसका फुटेज चलाओ, लेकिन कपड़ा इसके मुंह में डाल देना, ताकि मुआशरे में तुम्हारी इज्जत रह जाए। आज जब तुम्हारे चीजों को मैंने ढांप दिया है, तो तुम चाह रहे हो कोई एक एक पे ऐलान करके सुना दो। सुनो भाई, मजाक कर रहा हूँ। दमन, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, बच्चा मेरा, आजा, आजा मेरा बच्चा। भाई ये कौन सी मोहब्बत है? मेरा बच्चा रे, आजा। एक मिनट, आजा। उसका सामान उठा दू, तुझसे ज्यादा मारती है वो।
अबे घुमाया जा रहा है, नोटों को चक्कर आ जाएंगे, दे नहीं रहा। म्यूजिक बजाओ शादी का, पैसे लूटने नहीं दिए तुम लोगों ने हमें, हमारी शादी हमें नहीं लूटवा रहे, बजाओ शादी का। हम क्या लंगर लूटे? पैसे तो दोस्त लूटते, दोस्त बाप की बरात है, तेरे बाप की बरात है। अरे भाभी, अरे मैं अपने भाई की नजर उतार रही हूँ। इधर आ जा, तेरे भाई की नजर उतार रही है, मेरी तो अभी सलवार उतर जाती। इधर आओ, तुम किसी को चेक कराओ, तुम्हारे अंदर मरदाना चाह ताकत है। क्यों? अबे ऐसे ही तू कोनी मार के चला जा। अबे एक कोनी में घबरा गया, हम कोनियां खा रहे हैं। तू खा रहा है तो माशाल्लाह कोनियां नजर भी आ रही है। ए शकील, तू काजी से क्या बातें कर रहे, क्या कर रहा था ये बता। हाँ, काजी की जेब तूने काटी थी? यार वो कह रहा भारी हो रही है, मैंने हल्की कर दी थी। मनोज का बच्चा वो निका कम पढ़ा रहा था, मेरे को घूरे जा रहा है यूं करके। उसे पता है तू भी चोर है। चलो बुला, तेरा अब्बा कहाँ है? अब्बा क्या खाया था तूने? अबे दाल खिला के इसको रोक नहीं सकता। क्या कर दिया? अबे ऐसी ऐसी मिस कॉल है दी मुझे, वो उकाई साहब जो निकाह पढ़ा रहे थे कह रहे थे यार तुम कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे। हाँ तो कर लेगा, तुझे कौन सी रोमिंग पड़ रही थी? रोमिंग पड़ रही थी अबे काल भी, ये तेरी औलाद है ये? हाँ भाई तू सही करवा ले, खुदा की कसम इनके हाथ में सही नहीं है। चल बेटा पढ़ो। क्या शाबाश, मेरे पे गया है माशाल्लाह। मैंने किस खानदान में अपनी बहन दे दी? हमारा खानदान माशर्तुल में जिक्र आता है हमारा, वही सफा फाड़ के हमने पान बांध लिया था। और पैसे दे। अबे अब्बा तुम्हें शर्म नहीं आती बच्चों से पैसे मांगते हो? तुम अब्बा हो तुम दो। चल बे दफा पकड़ अपने औलाद को, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। अच्छा सुनो, अपना ताशी इस बच्चे का शाम में अचार बना देना। क्यों भाई? ऐसे मूड कर रहा, रोटी के साथ खाओ। चलो बच्चों अंदर। माशाल्लाह, मैं प्राइवेट बातें करूं। एक मिनट, तेरे बच्चे? अबे कितनी दफा बताऊं, क्या उठा लूं मैं, कसम उठा लूं क्या? कुछ नहीं उठा, एक आधा बच्चा ही उठा ले तेरा सत्याना, तेरे से किसी की शक्ल नहीं मिल रही कसम खुदा की। कोई नहीं है, कोई जापानी मुंह वाला है, कोई नेपाली। ए पता है क्या, एक बच्चा इसका है ना अभी लॉकडाउन में हुआ है, कोरोना जैसा मुंह है उसका। ओए यार अब समझाया जा सर। चलो भाई अंदर जाओ। पासन, तू अंदर जा रहा है ना? हाँ एक मिनट यार, अंदर जाते ही ना तू बीवी के चमाटे। चमाटे नहीं, सलाम करते। बीवी है, मजार है, मैं मन्नत मांगने जा रहा हूँ। अबे तेरी पहली शादी है ना, मुझे पता है ना ऐसा होता है। मेरी तो पहले ही, मैं तो प्लस पाना स्क्रू ड्राइवर सब ला रहा था, कह रहे तेरे स्वाद रहा था, अंदर इंजन खोलने जा रहा है। क्या कह रही है ये? पता नहीं क्या कह रहे हैं, मुझे क्या पता। हाँ अब्बा कहाँ रह गए? मुझे क्या पता तेरा बाप है हमारा बाप। अबे यार मैं दोस्त समझा रहा हूँ ना, मैं तो मुझे भी समझा दे, मेरी कौन सी है दसवीं शादी? और क्या करना है, ये को डर तो नहीं लगता? बहुत। तो फिर मैं चला जाता हूँ। इतना भी नहीं लगता है, इतना भी नहीं लग रहा है। देख भाई तुझे भी समझा दूँ, तेरी पहली शादी है। अच्छा, तूने कमरे में जाना है। हाँ। और हंगामा शुरू कर दे। मेरे दोस्त की शादी हुई थी ना गफ्फार भाई की। हाँ। उसकी ना मैंने तकिए के नीचे किताब रखी थी। हाँ। उसका एक बेटा हुआ है। अच्छा, हुआ नन्ना फरिश्ता। हाँ, अब तेरे तकिए के नीचे मैंने भी किताब रख दी। कौन से? अली बाबा 40 चोर। बहुत अच्छे, मैं बच्चे ही गिनते रहूं। क्या हुआ?
आया समझा दिया बस सही है। आलू आया तो समझा दूंगा। आलू आलू को तू समझाएगा, उसकी बहुत पुरानी हो गई है। अबे वो तू गांव का ख्याल रखेगा ना। ठीक है चल ठीक है, जाओ जाओ तुम लोग जाओ जाओ। अरे समझ ले देख ले। क्या देख ले? पहली पहली तेरी शादी है भैया तो आखिरी कर दूं। एक तो समझा रहे हैं यार ये। अबे हां बे चल बे चल, बीवी को धूप में रखना। ले लो भाई। ओए कोई जुआ जुआ हार गया है मेरे ख्याल में। आओ अब्बा कुछ नहीं बेटा, सुबह सुबह जेब कटवा ली क्या? तेरी खुशी है, मैं जरा दिमाग से बात कर लूं। सलीम मेरी बेटी को खुश रखना बेटा। हाँ अब जाते मुजरा शुरू कर दूंगा। मैं कहूंगा पसंद नहीं आया तो और देख ले टीम तक। खुश रखना उसका मतलब है कभी उसको दुखी नहीं करना। काय का दुखी नहीं करना, अभी तो गया नहीं हूँ, बातचीत हुई नहीं है। मैं तो फर्जी बोल रहा हूँ, दिल पे ले लूँ। चलो जाओ कर लेंगे, खुश रखेंगे तुम्हारी बेटी को, लतीफे सुनाऊंगा। जाओ ठीक है भाई, मुबारक हो भाई मुबारक हो। आज से तुम्हारे बर्बादी के दिन शुरू हो गए। सुन शकील को बता दिया ना? हाँ शकील को बता दिया? सब बता दिया। क्या बता दिया? कि टीवी कैसे खोलते हैं। बता दिया जो बताना था। बर्बादी के दिन शुरू आज से तुम लोगों के। तो यार काय की बर्बादी हमारी? शादी के बाद बर्बादी होती है भाई। नहीं यकीन तो अम्मा से पूछ लो या बैठे हुए एक एक शादीशुदा आदमी से पूछ लो। बर्बादी के दिन शुरू, बर्बादी के दिन शुरू। मुझे तो सब पता है ना। किसका? ठाकुर। हाँ मैं तो तेरे माशाल्लाह भाई सारे काम इकट्ठे करियो। अरे जल्दी करो यार टाइम नहीं है। सारे काम इकट्ठे किए हाँ, तो ये भी इकट्ठे करूँ, ये भी इकट्ठे करूँ। नहीं चल मैं छह दिन के लिए मित्र को मिलूंगा ही नहीं। जा ओए साले साहब। बोलो साले साहब। गाली मत दीजियो, गाली मत दीजियो। गाली नहीं दे रहा, तेरा मेरा रिश्ता ही ऐसा हो गया अब। अच्छा हाँ तू मेरा साला मैं तेरा साला। मैं जा रहा हूँ तेरी बहन के पास। मैं भी जा रहा हूँ तेरी बहन के पास। अम्मा मेरी बहन के पास जा रहा। अम्मा को काय को बुला रही है? मेरा निकाह हुआ जा रहा हूँ। अच्छा तू ही है, जाते हैं ऐसे? नहीं तू निकल जा कहीं और। मुझे पता नहीं ना, मैं बताओ मैं तो मासूम हूँ। तू क्या यहाँ पे स्लिप पे खड़ा कैच पकड़ने के लिए खड़ा है? जा जल्दी जा। मैं बच्चा हूँ तुम लोग से सीखूंगा। बहुत बड़ा बच्चा है तू, तेरे बच्चे अच्छे काम कर रहे हैं। क्या शिकायत? कितने? 5 लाख रुपए। अबे चल बे 250 का माल नहीं है, 5 लाख दो तुझे। 5,000 ही दे दो। कम कर। नहीं 5,000 सही है। 50 ले, खत्म कर बात को। ये तो बहुत कम हो जाएंगे। चला ये ले 4,990.50 रुपए दे दे मुझे। दे दो। हाँ वापस कर। कोई वापस खुला नहीं मेरे पास। अच्छा रसम होती है? हाँ। ओए तेरी तो कोई बहन ही नहीं है, कैसे करेगा रसम? भेज दे उसको। अबे चल बे उसको भेज दूं और अपना दरवाजा बंद कर लूं। चल तू किस लिए आया भाई? तेरा वो बहन का छोटा वो भाई 1,000 रुपए अंदर जाने के। शर्म कर बे, किस काम में पड़ गया तू? मेरे बच्चे पे। अरे टेंशन काई की है? मेरे बच्चे को ले गए, अल्लाह अब क्या होगा। एक तो टेंशन में भूत भौंक लगती है, छोटे आम आ रहे जल्दी खत्म हो जाते हैं। आ गए जा सेव है। मैंने क्यों ले लिया मेरे बच्चे को? बहन इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत है, आ जाएंगे। खामा खा के टेंशन चल रही। अरे भाई हाँ मेरे बच्चे ठीक है ना? अरे बहन टेंशन वाली बात है, थाने से आ रही हूँ मैं। हाल के अंदर घुसने नहीं दिया उन्होंने मुझे। अच्छा भाई थाने से बात हो गई मेरी। अरे भाई बेकसूर है, जमानत हो जाएगी। कब होगी? मेरे बच्चे का क्या कसूर था? अरे SHO से बात हो गई है। अच्छा बस जैसे SHO रिटायर होगा जमानत हो जाएगी उसकी। कब होगा रिटायर? ये कोई 20-25 साल लगेंगे। 20-25 साल में मेरा बच्चा? अरे अरे क्या कह रही हूँ, क्या मतलब है तुम्हारे बच्चे?
बच्चे ने अगर कुछ नहीं किया तो मैं मेरे बच्चे ने कत्ल किया। अरे कोई भरे कोई कैसी बातें कर रही है, मेरा बच्चा भी आ जाएगा, मुझे उसे तो आदत है। चुप कर जा, चुप कर जा, आस्था बात कर ले। ये सब कुछ ना तेरे दबा का किया था। भाई ने दबा के लिए किया क्यों? सलीम को भी अंदर करवा दिया उसने। मैं दबा को कुछ नहीं बोलना, समझे? समझ गया, छोड़ दे। कह दे रही हूँ, बहुत दिन देंगे ना तुम्हें। एक दिन आएगा तू पछताएगी, बता रहा हूँ। आप फिक्र ना करे, मैंने बोल दिया जमानत हो जाएगी इंशाल्लाह। ये शकील कोई और था, हाँ वो गलती से उसको उठा के ले गए। कल मैं माफी चाह रहे, कोई बात नहीं, आप टेंशन ना ले। क्या बात है भाई, करे कोई भरे कोई। नहीं नहीं, मुझे पता है भाई, मुझे पता है वो गलती हो जाती है, कानून है, गलती हो गई उनसे। आप आराम करो, परेशान मत हो, आ जाएंगे ना मेरे बच्चे। हाँ हाँ आ जाएंगे, सही कह रहे हैं ना। मैं तुमसे कुछ झूठ बोलूंगा? आप टेंशन ना लो मेरी बहन। कहाँ दफा हो गई? इधर आ जाओ घोड़े नहलाने वाले, मुबारक हो दोनों की जमानत हो गई। मैंने जमानत, खुश हो? सबदन एक बात मुझे बता, तू जो भी कर रहा मैं सब समझ रहा हूँ। मेरी इस जात की हद तक तो सब कुछ ठीक है, अगर मेरी औलाद को कुछ हुआ ना, एक बात का ख्याल रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बता रहा। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम लोगों को वो दिन याद नहीं है कि मेरी बूढ़ी मां जो एक बेवा औरत, तुम्हारी बेटी ने उस पर तशद्दुद कर करके उसको नफ्सियाती हॉस्पिटल अब्दुल सत्तारी जी के घर पहुंचा दिया। जब ही मैंने सोच लिया था कि तेरी बेटी का बदला मैं तेरे घर से उतारूंगा, अगर इस घर के टुकड़े नहीं किए तो मेरा भी नाम सफदर नहीं है। मेरी मां का ख्याल नहीं था, अपने पे आई तो चीख पड़े। अभी तो शुरुआत है, आगे पता चलेगा। इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तुम्हें पता है क्या, मैंने 6 जगह बम फाड़े। किसने कहा? पुलिस वाले कह रहे थे, मैंने कहा ठीक है। मैंने अगवा बराए तावान भी लिया है। किसने बोला? पुलिस वाले कह रहे थे, मैंने कहा ठीक है। मेरे पास ग्रेनेड कैसा होता है? ग्रेनेड गोल जैसा शायद होता है, मुझे तो नहीं पता। 6 बरामद किए उन्होंने मेरे पास से। रॉकेट कैसा होता है? रॉकेट? रॉकेट तो बहुत बड़ा होता है। उन्होंने बोला 13 से बरामद हुआ है। मैंने कहा कहां से निकाला है? बोले सलवार से निकला है तेरे का। नेफे से, नेफे से। चलो शुक्र है तुम लोग को मारा तो नहीं ना? नहीं, कुछ कह रहा है सिर्फ। अबे एक ही जगह मारा, नरम जगह पे। अरे यार जो मारा ना वो पुलिस वाला पहले पंचर लगाता था, तो उसने पहले मुझे कहा शर्ट ऊपर कर। अच्छा, फिर कमर पे मेरे हल्का सा रेग माल मारा, फिर सिलोशन लगाई, फिर फूक मार के चिपकाया। हाँ। फिर कहा टब में डालो, अब देखेंगे कि पंचर चेक करो कि बुलबुले निकलते हैं या नहीं। इत्तेफाक से एक बुलबुला निकला। हाँ। कह रहे दूसरा भी लगेगा। मेरे साथ जो हुआ है ना, क्या हुआ? पहले आके मारी है, मारा एक छितर पीछे। अच्छा। मैंने कहा चलो गलती से लग गई होगी। हाँ हाँ। फिर वंस मोर तीसरी दफा मारा, मैंने कहा तेरा निशाना पक्का नहीं हो गया। हा? मैंने कहा चलो अब खत्म हो गई बात। फिर आके वहीं, मैंने कहा तेरा तो दिल ही लग गया यहाँ पे यार। फिर पांचवा मारा, मैंने कहा मारी जा, जगह सुन हो गई है। मेरे को एक मारा पुलिस वाले ने। हाँ।
शुरू की गिनती एक से, अच्छा 50 पे आके भूल गया, तेरा गिनती दोबारा होगी। अबे वो पुलिस वाले मेरा जानने वाला था, मैंने कहा इन दोनों का ज्यादा ख्याल रखना। बहुत ही ख्याल रखा, तेरे कहने पे तो ख्याल रखा उसने। अबे बहुत मारते हैं बे, हर मुसलमान को थाने जाना चाहिए, ईमान ताजा हो जाता है। मैंने ना नई सुजुकी लिए, उसके हॉर्न चेक कर लूं। हाँ तेरे बाप की आल्टो है ये, इंसान का बच्चा बन। अबे बहुत मारा हमारे को। अबे तो तुम्हारी बैठक भी खराब कर दी। अबे अब तो औंधे सोऊंगा 3 महीने, लग रहा कोड़े खाने के लिए लेटा हुआ हूं। तो कोई बात नहीं यार, मेरा दोस्त हूं मैं, फूंक फूंक के लगा। अबे मैं डॉक्टर को नहीं दिखा सकता, बता भी नहीं सकता उसको, चल जा यहां से। बहुत मारा है। अरे शकील भाई आप आ गए। भाई को पूछ रही है मियां क्या जद्दे से आए? वो मुझे पता है कि आप आ ही जाएंगे। ये कौन है गफूर? ये गफूर कौन है? अरे भैया मैं आपकी बहन हूँ, सिस्टर हूँ आपकी। वो मेरी बहन का क्या हाल कर दिया कमीने। अबे मेरे से कसम ले ले, मैं तो लालटेन की बत्ती में ही पड़ा हुआ था, इधर तो गया ही नहीं हूँ। माशाल्लाह तेरी शक्ल बंदरिया जैसी हो गई है, मैं तुझे डुगडुगी दूंगा, अगला चौक पे इसका तमाशा दिखाना। मैं तुम्हारे लिए बर्फ लाना टपूर की। कैसे है सरताज? ये कौन, ये किसकी बहन है? अरे बड़ा मुझे तो सब माँ बहन दिख रही है अब थाने से आने के बाद। बात सुने, सरताज को पूछ रही है, भाई को नहीं पूछ रही कि भाई कहाँ से है। अच्छा ये भी बहन है, कैसी हो बहन? भाई ये भाभी का फर्ज है कि वो आपसे पूछे। वो क्या सरताज को पूछूंगी ना। सरताज तेरा आगरा ताज हो गया है, इधर बिहार कॉलोनी हो गया है ये तो, और उसका मियां नयाबाद खड्डा मार्केट हो गया। अरे कैसे हैं आप भाभी, जाए ना जाते। ये है कौन? ये तेरी अम्मा ने सीवल में बदली की थी। भैया आप क्यों भूल जाते कि मैं आपकी बहन हूँ? तू ज्यादा दरख्तों पे पली है, मैं देखता कहाँ था इसको। वैसे एक बात बताऊं शकील, मूछा कटवा ले अंदर से तू ही तकरीबन ऐसा ही है। ओए इतना बुरा हूं मैं? तुझे किसी ने कह दिया। मैं खैरियत से हूँ, दीगर अहवाल ये है खैरियत चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ तुम भी उम्मीद से होगी। नहीं अभी कहाँ, अभी तो शादी हुई है। चलिए मैं आपको हल्दी करा दूँ, चलिए चलिए। तेरा दिमाग तो ठिकाने है, अपना घर वहाँ है, क्यों मुंह भूल रही है? माशाल्लाह हम थाने से आए, तू आई है। इधर मैं हल्दी नहीं लगाऊँ आपको, देखिए क्या हालत हो गई आपकी। हल्दी वाला दूध पिला दे इसको गर्म करके। दूध खत्म हो गया है सरताज, आप चले ना, मैं आपको आम का जूस बना के देती हूँ। आम नीले रंग का होता है ना? जूस पिला रही है ये, हल्दी वाला दूध पिला रही है, कितना फर्क है हमारी फैमिली में। यस सरताज, आम पीले कलर का होता है। अच्छा हाँ। मेरे तो हर कलर अंधेरे में लग रहा है। बात सुनो, मेरे को मारा क्यों यार? तेरे थाने में एक बच्चा नंगा लेटा हुआ था, मैंने पूछ लिया ये बच्चा क्यों नंगा लेटा है, उन्होंने ही मारा, वो दो गंजे बैठे हुए थे इकट्ठे। कैसी महंगी महंगी बातें कर रहे हैं सरताज? कौन सी पी रहा है? पता नहीं, नीचे पड़ी हुई थी, किसी ने बुझाई नहीं, मैं उठा के पी ली, कसम खुदा की सच्ची बात है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मेरे ख्याल में फिर आ रहे हैं लेने के लिए हमें। कौन? वो आवाज आ रही है, ये देख हम नहीं है इधर, हम नहीं है, हम नहीं है। सब माँ बहन है, थाने से आने के बाद सब माँ बहन है। कैसी बातें कर रहे हैं? सब माँ बहन है तेरी, सब फूफी चाचियां, सब फूफी चाचियां। चलिए अंदर चलिए आप। ये देखो ये कोई लड़की है? मेरी बहन का कॉन्फिडेंस होती है, नफीस बोलने का तरीका होता है। आइए मियाँ सरताज, खाना खाइए, आपको हल्दी वाला दूध पिलाएंगे, चलिए चलिए। अबे मेरी बहन का कॉन्फिडेंस देख, उसको पता है ये कपड़े इसमें जच नहीं रहे, पहनेगी जरूर। कभी तो तारीफ कर दिया मेरे भैया। इधर आ बे ओए, सदर में गिर जानी है, वहीं दारू बेचती। मैं अपना काम करूं, जा मेरी बहन अपने घर में खुश रहे। चलिए अंदर चलिए आप। सरताज अल्लाह मेरे को नजर कभी भी नहीं लगेगी, मुझे पता है मेरा साथ ये है। क्या कर रहे हैं सरताज? जी मम्मी किससे मिल रहा है? बहन जी मैं आपकी बीवी हूँ सरताज, चलिए मैं आपकी ये चोटों की शिकायत कर दूँ।
बड़ा वाला तवा गरम कर, उस पर लुढ़कनी आ जाए, लुढ़कनी आ। चलिए तो सरताज। ये पुलिस वालों के बाप भाई नहीं होते क्या? चादर देख के पांव फैलाने चाहिए। ओहो, कभी मिसाल सही दे दिया करो। पैर देख के चादर फैलानी चाहिए। अबे तू दोनों मामलों में चादर आ रही है ना तेरा बाप की। उफ अल्लाह। बातें कर रही है। तुमसे जो है ना मतलब सर में दर्द उठाते तुमसे बात करके। दिल चाहता है वो तो पुलिस ने मारा था, मैं मारूंगी तो सही की पिटाई करो। खुदा की कसम तेरे जैसी औरत को तो रोड में निकले हाथ में मोबाइल देके एक ही दुआ कर रहा हूं, या अल्लाह कोई आ जाए इससे मोबाइल छीनने वाला। और ये मना कर दे और ठोक दे। ओहो, तो तुमने मोबाइल कौन सा अच्छा दिया है? 33,000 दे दिया, इतना पुराना। मैं तो समझी थी कोई अच्छा नोकिया का फर्स्ट क्लास मोबाइल दोगे। तेरे को नोकिया की जरूरत नहीं, तेरे को मोबाइल चाहिए ठोकिया। ठोकिया या हो शोकिया मोबाइल मेरे को करिए वो वाला दे दो जिसमें यूं यूं करो फोटो बड़ी होती है। मेरी फोटो बड़ी हो गई, नाक इतनी बड़ी हो गई। तेरी जानो ये जगह तो तुमने मुझे घुमाई नहीं। ले घूम इधर से, घुस यहाँ से निकल। सलीम बड़े गंदे हो तुम। ये हम लोग मरने बेचारे कोई भी मोबाइल रख लेते। 33,000 साइकिल की ट्यूब पे रबड़ चढ़ा हुआ उल्टा करो, सुन रहे होते यहाँ पे आवाज क्यों नहीं आ रही? बस बहुत हो चुका है। मैंने सोचा था कि मैं शादी करके आऊंगी तो अय्याशी की जिंदगी गुजारूंगी, लेकिन बस अब देखो अब मैं कैसी जिंदगी गुजारती हूँ अपनी मर्जी की। माशाल्लाह अय्याशी करने आई है, तुम तो मिनिस्टर के घर में पैदा हुई है। इधर आ मेरी जान, इधर आ। दिल पे कलेजे पे पत्थर रख के कह रही हूँ जान, अल्लाह मुझे माफ कर दियो। परवरदिगार झूठ बोल रहा हूँ। मेरे मेरे सोने जी, मेरे जानू जी, अल्लाह मुझे माफ कर दियो। ए मेरे दोजख के चांद, मेरा छोना पुत्र सलीम, तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या मेरा दिल जला रहे हो? बहुत अच्छे। अबे हल्के हल्की मूछें भी हैं, जबरदस्त। आज मैं नजदीक गया हूँ थोड़ा। एक्सीलेंट। क्यों लड़ रहे हो आप लोग? कौन लड़ रहा है? हम तो प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये दोनों आपको लड़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखे ना कितने प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं। जी लड़ने में अलग मजा है। अच्छा सलीम भाई, ठूसे घोसे अरे बात बनाने का अपना अलग मजा है। एक ठोसे की नहीं है वैसे, ये बता रहे, लेकिन तू बोल रहा था मैं ठोसे मोसे से करके फिर मनवा लूंगा। ये लड़ने के बाद जो बनाने का मजा है ना बेगम, वो किसी चीज में नहीं। ये जिद कर रही थी यार, तेरी मैं हनीमून के लिए पेरिस फ्रांस इधर जाऊंगी। तो ले जाओ, इसमें क्या है? ले जाओ। ले जाऊंगा जब मुझे अल्लाह पैसे देगा, जब ले जाऊंगा। अल्लाह पैसे कब देगा? जाओ पूछ के आओ, पूछ के आओ। सलीम आप मेरे दूल्हा भाई को बदवा दे रहे हैं ना? बदवा काहे की, इनकी बदवा और दुआ में असर ही नहीं होता। देख रहे हो, देख रही हो क्या बना रहा मुझे वो? हाँ तो बिल्कुल सही तो कह रहे हैं, इसमें नाराज होने की क्या बात है? तो ये छह बच्चे क्या फैक्स के जरिए हो गए? मेरा कहने का मकसद है कि साड़ों में आपस में मजाक मस्ती तो चलती है ना। चलो तो खैर है, मजाक कर रहे, लेकिन लड़ने का अपना अलग मजा है। हाँ हाँ, अब हम लोग जा रहे हैं।
घूमने जा रहे हैं, क्या खाएगी जानू? बर्गर अंडे वाला। चप्पलों पे रख के? बर्गर खाएगी अंडे वाला? हाँ। जैसे तुम्हारा मुंह है ना, कड़क डबल रोटी लो, उसमें कलेजी थुन के खाओ। बहुत अच्छी कलेजी, हा हा हा, क्या मुंह बना रही है। अल्लाह जा रहे बर्गर खाने? हाँ ना। तो लो भाई इसी बच्चों को बुला, बच्चों को बुला भाई। हाँ हाँ, बच्चों को ले आते हैं, हम सब एक जाना चलते हैं। अच्छा मुफ्ता तोड़ ले, मुफ्ता हर आदमी को अपने ससुराल समझियो। बच्चों को क्यों ला रहे? चल बे, तेरे को बासी रोटी है ना? हाँ? पानी में भिगोगे फिर उसको पकाऊंगा, दगड़ा रोटी। हाँ? अंदर सलीम, सलीम आ रही है मुझे। क्या किया है? मैंने कहा दही में से मलाई कहाँ गई? कह रही दही को गर्मी लग रही थी, मैंने चादर उतार दी। नहीं सरकार। मेरे लस्सी में मक्खी थी। मक्खी कहाँ है? सरकार उसमें मक्खी गिरी हुई थी। मैं इलायची समझ के खा लेता, महंगाई बहुत है। छी, कितने गंदे हैं आप। अच्छा अब मैं गंदा भी हो गया? मेरा कसूर क्या है सरकार? तेरा कसूर? कसूर भी तो नहीं है इसका, बहनों ने मेरे को चढ़ा दिया किसको मार। कसूर? तुम्हारा कसूर ये है कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, बस। ये तो कोई कसूर नहीं हुआ। कसूर है ये कि तुम कसूर नहीं करती। सरकार, मैं तो इतने अच्छे खाने बना के देती हूँ आपको। अच्छा अच्छा खाने बना के देती हूँ आपको? पूछ रहा थी ये पान की दुकान है? नहीं सरकार, मैं नहीं पूछ रहा थी। क्या भैया मुर्गी बन? नहीं बन सकती। तुम मुर्गी नहीं हो? मैंने क्या मुर्गे से शादी कर ली? आज तो बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें हो रही है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये लोग लड़ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि प्यार मोहब्बत की बातें हो रही है? क्या बात, लड़ने के बाद तो प्यार मोहब्बत की बातें अच्छी होती है। हाँ। बस जो तुमने कहा था वो मैं कर रहा हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं माशाल्लाह। क्या हो गया? सोते में खर्राटे लेती है मनुष। वो तो सभी लेते हैं। अच्छा मेरी भी आती है क्या? बहुत तेज आती है। चलो मेरी तो मर्दाना है ना, इसकी जनाना है, वो बारीक होती है, कानों में घुसती है। हाँ तो कोयल की आवाज वाली होती है। कल भी अपने खर्राटे लेके डर के उठ के बैठ गई मनुष, खुद अपने खर्राटे से। नहीं नहीं ताशी बात, ये झूठ बोल रहे हैं। मैं जहन्नुमी हूँ, मुझे जहन्नुमी कहा है। अरे भाई क्या कर रहे हो, बहुत बड़ा गुनाह है ये। बीवी को नहीं मारते? क्या बोलते हो? मारू नहीं मारू? देखो माफ करना, मर्द की शान नहीं है। शान नहीं है? शान नहीं है? तू चुप कर। तुझे ये देखे, मेरी बीवी को क्यों मार रहा भाई? अच्छा अपनी बीवी को मारना चाहिए? हाँ। पूरा बताओ मुझे, मैं तो मोहल्ले की औरतों को पीटना शुरू कर देता। अरे सरदार आपको क्या हो गया, पागल हो गए क्या? अरे भाई पागल हो गए यानी कि मेरे बच्चे ऐसे ही होंगे? हुआ तो कुछ भी नहीं, ऐसे ही। मैंने कहा आगे कुछ गलती करेगी अभी मार लो एडवांस में। मनुज की बच्ची? अच्छा, खाने अच्छे बना रही है बताओ। हम गंदा खाने वाले लोग, हमें अच्छे खाने बना के दे रही है। कल को मैं मोटा हो जाऊंगा, हार्ट अटैक, हैजा, कुछ भी हो सकता है। अल्लाह ही करता है, अमेरिका नहीं करता है। अच्छा अच्छा भाई देखो, अगर आपको घर का खाना पसंद नहीं आता तो चलो हम बाहर जाके खाना खाते हैं। कहाँ? पीसी होटल चलते हैं। हाँ वहाँ चलते हैं, पहले नान छोले लेते हैं, पीसी के फुटपाथ पे बैठ के खा लेंगे। ये क्या बात बनी? पीसी होटल जाना है? हाँ। बोलो, मुझसे माफी मांगे? क्यों? माफी मांगे बस। ठीक है रजिया, कोई बात नहीं, शौर है, मांग लो माफी। देखो लड़ाई मत करो, आपस में सुलह कर लो जल्दी से बस। मुझे माफ कर दे सरकार। अबे इसने तो बहुत जल्दी मांग ली। मोहब्बत करती है ना आपसे, इसको मना करना चाहिए था, फिर पिटती फिर करती। इसको बीवी बनना नहीं आया। चल अंदर, अंदर चल। ताशिबा जी, इन्हें समझाए कि ये मुझ पर हाथ ना उठाएगा। हाथ कौन उठा रहा है? मैं तो पाइप उठा रहा हूँ, पाइप उठा रहा हूँ। अच्छा ना भाई चले, हम माफ कर दें, अब सुलह करें, लड़ाई ना करें प्लीज। और जाओ जल्दी से जाओ, तैयार हो जाओ, हम सब खाना खाने चलते हैं। और कितना तैयार होगी ये? इस पे 3-4 सूट और पहनेगी? नहीं ना, बीवी को बरगलाती है और संभाल अपनी बीवी को छूट दूंगा भी। मुझे कहीं नहीं जाना, आप लोगों को जाना है, आप लोग चले जाए। कोई बात नहीं, नहीं जा रही, नहीं जा, कोई बात नहीं। अरे कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ भाई, भाई जाए, मनाए उसे, चलो तो हम
मनाए क्या अच्छी सी मोहब्बत कर रहे हैं। मार मार उसको मार। नहीं नहीं मेरी बहन। चलो अंदर, चलो मैं तुम्हें देखती हूँ, चलो अंदर। देखो उल्टे सीधे बातें कर रहा है कि मार मार मार। हाँ तो बातों में आ जाना ना, चलो जल्दी चलो बच्चों को तैयार करो, इसी होटल जाना है खाना खाने के लिए। मैं कहाँ चला गया? वहाँ तो अब्बा कुट रहा है। चलो बच्चों को तैयार करो। बिना वजह बहू पे तेरे ना जुल्म कर रहा है, भाड़े ढूंढ रहा लड़ने के। मैंने कौन से उसने जुल्म कर दिए, कौन से पहाड़ तोड़ दिए? अल्लाह का अज़ाब पड़ेगा तेरे पे। अल्लाह का अज़ाब क्यों? औरतें क्या घर का काम नहीं करती? बहू आगे के सासुर की खिदमत नहीं करती? बिना वजह क्यों मार रहे? बिना वजह से, बिना वजह सुनती है वो ढीठ मनुष्य वाली। मैंने ब्याह की पछता रही उससे। आए भाई तुम बहुत ही मांग ले रहे हो, बात ये देख लो, या तो वो इस घर में रहेगी या तुम नहीं रहोगे। बुला रही है ना अभी, उनसे शिकायतें करती है। अरे यार रजिया, अरे यार रजिया। जी अम्मी जी, एक बात बता, मैंने कौन से जुल्म करे तेरे ऊपर? नहीं अम्मी, बता 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 बता। नहीं अम्मी जी, कौन कह रहा है आपसे? शर्म करो, बोल रही है मैंने कौन से जुल्म करे उसके ऊपर? तू शर्म कर, शरीफ माँ बाप की बच्ची है, इज्जत रख रही है तेरी। अरे बस रहने दो, आली तो उल्टी सीधी बात है ना, उसकी सुना करो। बसाना चाहती है, तेरी बेटी की तरह नहीं है। अच्छा मेरी बेटी की तरह? मेरी बेटी की तरबियत देख लो, 8 दिन हो गए शादी को, कैसा उसके घर में सुकून, और इसने 16 मरतबा घर में फट्टे करा दिए मनुष वाली ने। तेरी बेटी ना शोर को ना हाथ रखने बुर जानती है, समझ गई? बस रहने दो, मेरी बेटी, मेरी बेटी की बड़ी अच्छी तरबियत है, और ये मनुष वाली क्या तरबियत लेके आई मेरे घर में, कैसे फट्टे कर रहे थे। चल जा इधर से, मेरे लिए गर्म पानी कर। हां गर्म पानी रख, बेरी के पत्ते भी डाल दियो। क्या मेरी मैया उठ रही है? चल चली गई। चल यहां से, चल जा ना पाओ यहां से आगे। मैं बता रहा हूं वही तो याद नहीं आ रहा मेरे को। ये तो कोई बात ही नहीं हुई। चुप हो जा, हैं? इतना बुरा सोती है तू? यूं लग रहा कमरे में कोई फायरिंग करके लाशें बिछी हुई। डिफेंस वाली बनो तो कस्बा कॉलोनी की लगती है। तमीज औरत मियां के आगे जुबान चलाती है। मैंने कुछ बोला भी नहीं। यही तो तेरी भूल है, क्यों नहीं बोली? मुझे चिढ़ा रही है कि मैं नहीं बोलूंगी, मैं नहीं बोलूंगी। क्या हुआ? अब्बा निकल गया क्या? अब्बा निकल गया? अरे नहीं बेटा, तू सुनेगा तो तेरे भी कान बदन में आग लग जाएगी। दफा कर, मत सुना। बताऊंगा तुझे क्या करे। क्या क्या करे इस मनुष्य वाली ने? तेरा नया वाला कोट जला दिया, गोल्डन वाला। मुझे पहन के ट्रंप से मुलाकात करनी थी, वो तुझे अब आया ना कसूर? देखो मैंने नहीं चलाया काम, मैंने जान मैंने नहीं चलाया। नया कोट रहेगा, आए का नया कोट था। अबे 20 सर्दियों में मेरे बाप ने पहना, 10 सर्दियों में मैंने पहना, अबे 5 सर्दियों में तू पहन चुका है, काहे का नया कोट है वो? तो अगली सर्दियों में तो मैं ठटर गया ना। अबे नया आ जाएगा, नया आ जाएगा। कहां से आएगा? क्यों मैं कौन सा कमाऊं पूछूं? अबे छोड़ दे, रहने दे। क्या छोड़ दे, तुम्हारी नजर में तो कुछ भी नहीं, मेरी नजर में बहुत बड़ा नुकसान है ये, तुम नहीं समझते? बात सुन, तू फंस लगा। जी मैं जब से आई हूँ मेरे घर में मनुष्य, तूने मनुष्य फैलाई हुई है। मैं तुझे कह रही हूँ तू मेरे घर में नहीं रहेगी, तेरे लिए इस घर में कोई रोटी नहीं है। अभी इसका भाई जिंदा है खाला, और रोटी देने की तेरी क्या औकात है? जब तू किसी को रोटी देगी, अरे रोटी देने वाला वो नीली छतरी वाला है। नीली नीली छतरी वाला गुफरान साहब, वो रोजाना नीली छतरी लेके निकलता, बारिश भी नहीं हो तो सिग्नल देता है वो, अब याद आया मुझे। नीली छतरी वाला गुफरान साहब नहीं, वो जो हम सबका साहब है, जब चाहे किसी की सांस की डोर खींच सकता है।
क्या बोला बदौप धरा है तू मुझे कत्ल की धमकी दे रहा है मेरे भी बड़े कातिल जानने वाले हैं आ तो बुला ले उनको बुलाने की क्या जरूरत है चल अब्बा जा अगर कातिल जानने वाला तो एक बात मेरी भी याद रखना जिस दिन शरीफ बदमाश बन गया ना तुम्हारा रहना मुश्किल हो जाएगा इस घर के अंदर मेरे वो गुस्सा दिला रहा मैं बस मजबूर हूँ फैमिली साथ में फैमिली साथ में तू यहाँ सैनिक फसाद की जड़ को घर में इसके लिए रोटी नहीं है ऐसा ना बोल हलीमा ऐसा ना बोल ये भी तेरी बेटी है वाह ये मेरी बेटी बस रहन दे बेटी वो होती है जिसे माँ जन्म देती है ये तो बहू है बहू तू भी माँ नहीं तू भी सास है सास अरे जब तू मरेगी ना तो तेरे सिराने तेरी बेटियां नहीं होंगी ये होगी ये जो मरते वक्त तेरे मुंह में दो बूंद पानी डालेगी अल्लाह की कसम मैंने कुछ नहीं किया है क्या हो गया ऐसा हो गया देखो तो सही और कैसे मुंह भर भर के मुझे बदवाई दे रही है देखो जरा इसको अरे अरे एक मिनट हैं बात समझने की कोशिश करो सलीम बेटा नहीं चाचा बहुत हो गया इतनी रोटी तो इसका भाई भी दे सकता है मजदूरी करके अगर तुम्हारे घर में खुश नहीं तो मैं इसे दो वक्त की रोटी दे सकता हूँ अब कुछ नहीं हो सकता चाचा जी सलीम सलीम मैं हाथ जोड़ता हूँ एक मौका नहीं मां बहन भाई हम आपकी क्या सुने याद है आपको एक दिन आपने मुझसे कहा था कि मेरी बेटी आपके घर में खुश रहेगी राज करेगी राज और आज आपने उसी बेटी को अपने घर से निकाल दिया अगर हमारी बहन आपके यहाँ नहीं रहेगी तो आपकी बेटी भी हमारे यहाँ नहीं रहेगी ना बोल मां चुप हो जा अमीना ओ अमीना जा अपनी माँ के घर पर आपने तो कहा था कि कल जाने वो कल आ गई चल निकल शुक्रिया हाँ तो बात सुन मेरे घर की तरफ कदम बढ़ाए ना मैं तेरी भी टांगे तोड़ूंगा लेकिन सली मेरा कसूर क्या है कसूर मुझसे नहीं तेरी माँ और तेरे भाई से पूछ भैया क्या हुआ कुछ नहीं मैं ना रजिया को तलाक दे रहा हूँ हाँ जापानी तलाक आई मार्केट में नहीं डूब कर मर जाए भैया डूब कर मर जाए आप अबे ये कौन है बंदरिया लड़कियों को क्या पांच की गुड़िया समझ के रखा है जब दिल चाह खेला जब दिल चाह तोड़ दिया इधर आ जा सरिया खाना इधर आ जा बड़े जज्बाती मर का जज्बात बनी हुई है चल चल मां बहन को अंदर ले चल क्या मामा ये कैसा शोर है मैं ना ताशी रजिया को तलाक दे रहा हूँ क्या वेरी गुड तलाक और सलीम भाई आप मैं अभी सोचूंगा सोचना क्या है एक ने तलाक दिया बनता तो तुम्हारा भी है वैसे आपस की बात यार तुम्हारा जन्म बेरूत में तो नहीं हुआ बात सुने आप तो अंदर आए मैं आपको बताती हूँ चलो अंदर मैं तो मशवरा दे रहा था इसमें इतना जलने की क्या बात है इतनी कुड़ने की क्या बात चले मशवरा मैं आपको देती हूँ चले अरे भाई उन्होंने तलाक दिया तो बता दी तो मैं कहती हूँ अंदर चले आप चल अंदर चल उधर इसको क्या देख रही हो देखने की जैसा है चल ले जा अपनी बहन को और खबरदार मेरे घर की तरफ मत आना बता रहा मैं तुझे अबे जा तू भी नहीं आना मेरी बहन का क्या हाल कर दिया मनोज के बच्चे ने क्या हो रहा है नहीं बहन क्या सोच रहा है सिकंदर
आज तेरे भी दोनों हाथ खाली हैं सिकंदर की तरह। अरे तू भी इनके झगड़ों को ना रोक सका, तू तो इस घर का सबरा था। सोच सिकंदर सोच, अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, रोक ले इनको। अगर आज आज तू इनको ना रोक सका तो तेरे इस चमन को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। अब भी वक्त है सिकंदर, अब भी वक्त है। पता नहीं आम कब काम में आएंगे। सब घुसे पड़े हैं कमरों में, जगह ही नहीं है कहीं भी। पहले मना करते थे, नहीं बुला रहे को। सुलाए ऊपर वाले ने काम किया, कह रहा नीचे वाला कह रहा बरसात हो रही है अब्बा। तो मैंने देखा अबे गर्मी बहुत है, किस कमरे में जाऊं, धक्के देके निकाल दिया। तो कमरे में लोग इतने भरे पड़े, इधर आओ आओ शकील के कमरे में चलते हैं, उसे बोलते हैं। हां मेरा साला है, मेरा रोटी का मेरे कमरे में तो 18 एसी लगे हुए हैं। अरे ब्लॉक निकाली हो, वहां से कभी कचरा आ रहा कभी हवा आ रही है, मेरे लिए पैदा किए ना, चल दे। तुम लोग, मैं तुम्हारा मामू नहीं हूँ, तुम लोग कहीं से सैलाब में बह के आज दफा हो। अबे देख यार मामू ऐसे होते नहीं, ऐसे होते बहुत तेरा वो अलग है, वो अलग। अबे हाँ यार छोड़ो, सलीम भाई सही है, वो बड़ा अच्छा आदमी, बच्चों से बड़ा प्यार करता है। केसी वाले लाइट पता नहीं बार बार आ रही है जा रही है, लालटेन की बत्ती ऊपर नीचे कर करके थक गया हूं। अंदर बत्ती नहीं थी इसकी, नाला डाला मैंने चिपटा करके। हाँ सलीम भाई। हाँ भाई। हाँ जा रहे हो केसी के ऑफिस? हाँ यार वो कंप्लेन करवाने लाइट आ रही है जा रही है यार। हाँ तो फिर वो कौन सा अभी सही कर देंगे, सुबह ही हो जाएगी, बच्चे रख दूं। कमरे में तेरे बच्चे हैं तो और किसके, एक एक रख दूं? तेरा दिमाग खराब हो गया, मेरी सुहाग रात है, मैं बच्चे रख दूं? एक आधा झाग गया फिर इधर ये वाला ले जाओ, इसको टिपाई भी कम देता है और सुनता भी कम है, कुछ नहीं होगा जाओ। इसी की वजह से तेरे दूसरे बच्चे हुए हैं। अबे जाओ अब्बा, तुम्हारी तो यहाँ भी इज्जत नहीं है। चल बे, इंसान का बच्चा बन, इज्जत नहीं है तुम्हारी वजह से, पतलून बार बार नीचे आ रही है। अबे ये किसका गंजा जनाजा पड़ा हुआ, चश्मा लगा के ऐसे सो रहा बुड्ढा जैसे साफ ख्वाब आएंगे साफ साफ। हाँ सुना दूंगा, रात गुजर जाएगी। अच्छा बेटा इधर बैठ,
इधर बैठ, किसी को नजर तो आओ यार, इधर ना बैठो ऐसे, इधर आ बैठ, इधर बैठ, इधर आ जा। शाबाश, लो बेटा कहानी सुना दूं। हां सुना, कहानी अच्छी लगेगी तो वाह वाह करोगे बेटा। एक तो बादशाह था खूबसूरत, हां बनियान और पजामे में रहता था। वाह, उसका हुसन सलमान खान की तरह बिल्कुल, आहा बचपन से गंजा था। हाँ बिल्कुल, ये कमर्शियल भी इसमें लाजमी आना तेरा, पानी चल लेना, चल लेना, समझ गए। बादशाह था बड़ा भाई, कौन सी वाली? डोरेमोन। अबे डोरेमोन वाली शक्ल है इसकी। हाँ कौन सी कहानी सुनो, दूसरी कौन सी? शहजादी वाली है बेटा। शहजादी वाली, शहजादी तू तो फुल शहजादी, बेटी को कुछ नहीं था, बेटे मुझे अच्छे। नानापू मुझे टार्जन वाली कहानी सुनाओ। अरे बेटा ये जो बादशाह था ना, हाँ। ये पहले टार्जन ही था। क्यों नंगे घूमते थे? अच्छी बात नहीं है, करेगा क्या ये? सुना होगा तो बच्चे कह रहे तो। अबे मेरा नाना वो वाली कहानी सुनाओ जिसकी नानी ने तुम्हें खूब पीटा था। किसने बताई ये बातें? अखबार में आई थी, डॉन में। बेटे ये कहानी नहीं थी, एक वाकया था बेटा, हो गया समझ गया। ये बताओ बादशाह वाली कहानी मेरी जान, अब जाओ 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 जाओ, अबे जाओ, अबे आगे जा, आगे जा और आगे जा। ये बता कहानी कैसी थी? कहानी कहानी तो दो टके की नहीं थी। यार तुम्हारे को बच्चा बच्चा जानता जितनी तुम्हारी जिल्लत है माशरे में। यार सुसर अब्बा, हाँ इतनी गर्मी हो रही है, हाँ तुम लोग कुंडा सिस्टम क्यों नहीं लगा लेते घर में? क्या मतलब है तेरा? हैं कुंडा लगाओ। अरे यार आज शादी है। आजकल तो उसका बाप मैं चल ले हूं। मतलब अबे मेरा बेटा है, मतलब हुआ क्या है, हुआ क्या? अरे उसने कत्ल किया, किधर है वो? हेलो भाई वो मुबारक है। अरे किधर है? शकील, शकील, शकील का पूछ रहे हो? अरे और किसका पूछ रहे थे? वो तो वो दुबई गया। अरे दुबई कहाँ गए? अरे बेटा आज मलेशिया पहुंच गया, कारोबार है ना, बिजनेस है उसका। नहीं नहीं है ना, सबर करो, बीमार पुलिस आई है। वो तो क्या हुआ दुबई? अरे तुम शकील का वालिद है? हाँ हाँ। चलो थाने हम उसको खुद पकड़ लेगा। क्या वजह, क्या बता? अरे उसने कत्ल किया है, आज उसकी शादी है। शादी है उसकी, वो कत्ल क्या कर रहे हो? किसकी शादी है? शादी शकील की। अबे शादी तो अबे शादी तो मेरी नहीं, उसकी कैसे हो सकती है? हाँ किसकी बात कर रही है? नहीं 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 है, तू है शकील का? अबे नहीं है भाई, ये क्या हो गया? अरे शकील ने देखो शादी हुई है आज, अंदर जो है ना वो है जमील, खलील से छोटा, शकील है दुबई में, नहीं समझे? खलील की शादी है, जमील से छोटा है, शकील दुबई में है। अरे हमारे भैया खलील, खलील में नहीं घुमाओ, हमारे को बताओ कि शकील किधर है? शकील हमारे को चाहिए, कानून उसको हर तरफ से ढूंढ रहा है। अरे मैं तेरे को बता रहा हूँ शकील नहीं है यहाँ पे खलील है, खलील। अरे अबे खलील, अरे अपना तो, अरे उसका एक साथी और था, वो किधर है? एक साथी और था, क्या कर रहा है? क्या हुआ? थक गया भाई, क्या कर रही? इसका अलग से ड्रामा चल रहा है। अब इंसान का बच्चा बन जा, जब तू ड्यूटी पे आया था तो एक सिक्योरिटी गार्ड अपने लिए रख लेता। अरे शकील को बुलाओ चाचा, तू मचा। अरे शकील नहीं है, खलील है, खलील। अरे शकील ने कत्ल किया, हमारे को उसकी तलाश है। बुला रहे हो, बुला रहे हो, जल्दी बुला उसको। अबे खलील, वो आ गया खलील।
अरे तुम्हारा नाम है शकील है? शकील है तुम्हारा नाम? ओए मारियो नहीं, मारियो नहीं, तो बता रहा हूं। अबे नायका और पिटवाएगा। ए बाबा हुआ क्या बताऊं? सही हुआ क्या है बताओ? अरे बाबू कभी कभी निकल जाओ। अरे तुमने कत्ल किया है? अच्छा चूहे खाने पे? नहीं जिसके साथ तुम्हारा कल फटा हुआ। बोल तूने कत्ल क्यों किया शकील? बोल। अबे गंजे के उल्टी नसवाल लगा ली। अबे क्या हो गया, कॉफी पिया हुआ है? अबे छोटे बच्चे की जलालत मुझसे उतार रहा तू? अरे चाचा तुम छोड़ दो, हम खुद उगलवा लेगा। बताओ रे तुम्हारा दूसरा आड़ी किधर है? दूसरा आड़ी किधर है तुम्हारा? बता। मैं तो अपना खालू, मैं जा रहा हूँ, मेरे अब्बा ने बुलाया है। जब तूने कुछ किया नहीं है खलील। हाँ खलील एक मिनट सबर कर लो अब्बा, शकील यही है। हाँ इसी ने कत्ल किया है। ला 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 मोहम्मद रसूल अल्लाह, मैं सही बता रहा हूँ यही है। पकड़ लो। कानून के साथ मजाक कर रहे तुम? कानून के साथ मार मार। अरे इस तरह तो हम जग जाएगा। मारो बत्ती बार बार ऊपर करके थक गया तो लालटेन उल्टा जला ले। उल्टा कैसे जलेगा बे? ये है दूसरा साथी। साथी अरे तुम्हारे को लालटेन की बत्ती ऊपर करने की जरूरत नहीं है। तुम हमारे साथ थाने चलो, हम खुद बत्ती ऊपर कर देगा। हमारी बत्ती नीचे नीचे ही रहने दे। किस लिए थाने चलो? अरे शकील ने कत्ल किया है, तुम है। मना कर रहा था मैं तुझे, मना कर रहा था कि उसको हॉस्पिटल ले चलते हैं, तू लेके नहीं गया। क्या क्या शकील ने कत्ल किया? हम क्या इंग्लिश में बोल रहे हैं? माशाल्लाह भाई कितने पैसे हुए कितने? चलो यार तुम लोग खेल लो, मैं लोग आराम कर। अरे झगड़ा लो, तुम हमारे साथ थाने चलो। अरे रुको तो सही, ओ तूने इतनी जल्दी कत्ल भी कर दी? अरे यार मैं तो करने लगा था, ये आ गया। क्या हुआ क्या? अरे इसी ने कत्ल किया कल जुए खाने पर। अच्छा। अरे वो बंदा अस्पताल गया, जो निकल गया ऊपर, तो इसने कत्ल किया? इसी ने कत्ल किया। तो हमको क्यों ले जा रहे? अरे तुम इसका साथी नहीं है? हां ये बात भी सही है, चलो मारो। ये तूने क्या किया? अरे उनकी शादी की हाथ है दोनों की, तूने? अबे तो छक के बुनियाद पे अगर शकील को उठा के लेके जा रहे हैं तो वो क्या अकेला जाता? मैंने सोच लिया वो अकेला नहीं गुजारेगा थाने में रात, इसीलिए मैंने सलीम को भी साथ कर दिया, दोनों मांग पत्ती खेलते रहेंगे। सतरी तूने अच्छा नहीं किया। अच्छा नहीं किया क्या? अरे जाओ भैया। भैया क्या बात है? नींद में चलने की आदत है ना, तो मैं सोचा रजिया की तरफ ही निकल लूं। अच्छा क्यों आया मेरे घर में यहाँ पे? बहन के कमरे में कोई भाई बैठता है क्या? मनुष्य के बच्चे क्यों आया मेरे घर में जबकि यहाँ रजिया से 5 मिनट की बात करनी थी। कोई नहीं, हमारा तेरे से कोई वास्ता नहीं है, जा यहाँ से। बीवी है मेरी। अब नहीं है वो तेरी बीवी। 3 मिनट 2 मिनट भी नहीं है, जा यहाँ से। ना तेरा ना मेरा, 30 सेकंड बस। कोई नहीं, अपने घर में जाओ। जब तक पंचायत कमेटी फैसला नहीं करेगी कोई किसी के यहाँ नहीं जाएगा, जाओ। देख ले। हाँ मैंने देख लिया, जा दफा हो यहाँ से। मैं जाऊँ तेरी बहन के पास? जा तेरी बीवी है, जा माना थोड़ी। मेरे में गैरत है। मैं बेगैरत हूँ, चल जा। मुझे नहीं जाना, जाओ। अच्छा इधर नहीं आना, आएगा
खुदा की कसम मेरे को डॉक्टर ने इतवार को मरने से लड़ने से मना किया। इतवार को लड़ने से मना किया? शर्म नाम की चीज तो है नहीं इन लोगों को। जब झगड़ा हो गया है, अलहदगी हो गई है, तो भाई अपने घरों में खुश रहो। अम्मा, अरे अम्मा, क्या बात है? हरे रंग की फाइल दे, मेरे को फोटोकॉपी के लिए जाना है। बेटा वो तो बहू ने रखी थी। हैं? बहू ने रखी है। तो जा पूछ के यार उससे। अरे रजिया को बहुत तेज बुखार हो रहा है, मैं उसके पास बैठी हूँ, ऐसा कर तू चला जा। अम्मा अभी जलील करके निकाला है, मैं जाऊंगा मेरी तो कुत्ते आली कर देगा वो। कैसे जाऊं अम्मा, वो एक नंबर का जा रहा हूं अल्लाह मालिक। खाला, ओ खाला इधर। क्या बात है? अपनी बीवी के पास जा रहा हूँ। मर गई वो, मर गई 200 साल पहले। मर गई 200 साल पहले? हमने उसकी शादी कर दी डेविड से। अभी मैंने तलाक नहीं दी। तो हमारे यहाँ होता है, चलो जाओ। मैं बेगैरती की भी एक हद होती है। मेरी कोई हद नहीं, तबाह हो जाओ, जाओ। जा तेरी बहन को पूछ हरी फाइल कहाँ रखी है। अच्छा, इधर ही खड़ा हो, ज्यादा नहीं कहीं, ज्यादा नहीं, इधर जाओ। मैंने कटी पहाड़ी का इलाका घूमे, ऐसे लोग नहीं। लाल अलमारी है तुम्हारी यहाँ? नहीं है। उसे में ढूंढ। इधर ही खड़ा हो, पता करके आ। पूछ यार, जल्दी पूछ, मुझे देरी हो रही है भाई। नीले रंग की पोटली है। हाँ। उसको खोलेगा, देखेगा उसमें नहीं, कहीं और ढूंढ जा। अबे भाई सही से पूछ के आ यार, टाइम बर्बाद। मैं तेरे बाप का नौकर हूँ, जाके खुद पूछ। मेरे को उल्लू समझ रहा है, मैं वाकई उल्लू, ये कहाँ गया? मेरी बहन के घुटनों पर बैठ के रो रहा, वो रोने वाली चीज है? अबे प्याज काट रही थी, आंसू आ गए मेरे, और क्या। अबे चल जा यहाँ से, जा। हमें ये क्या करने आया था? अम्मा वो तो शुक्र कर तेरे बेटा गैरतमंद है, जाग रहा था, वरना ये तो मेरी बहन से बात कर चुका होता। बात कर चुका, मुझे खुद कह रहा था 500 रुपए दे, हैदराबाद से पान ले आऊं। तूने क्या बोला है? तू 200 दे, अभी जाता हूँ। पता है ना तेरा, नहीं पता मुझे। देख लड़के, आएगा मेरे घर की तरफ आया ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। और अगर मेरी घर की तरफ ये आया ना, तो मैं इसकी टांगे मोड़ दूंगा। मोड़ दे, मैं घिसट घिसट के आऊंगा, जा। लोगों को ही नहीं पता चलेगा बेटा कि तू आ रहा है या जा रहा है। जा यहां से मेरी बहन। ओए चल इधर से चल। मैं अपनी बहन की शादी कर दिए, जाओ। कर दे, कैसे करेगा, बगैर कानूनी ऐसे नहीं होती शादी, जब मैं तलाक दूंगा तो होगी। हमारी तरफ से हो गई, जाओ। तुझे ताला लगाओ, तुझे ताला लगाओ। मुझे ताला क्यों लगा रही है, मैं क्या चरस हूँ? तू उधर चला जाएगा ना, इसलिए तुझे ताला लगा। पाँव में ताला रख इसको। चल 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 इधर से, चल चल। एक एक आओ, एक एक आओ, दो दो आ रहे हो। तू नहीं आ भले उसको भेज, 10-10 मिनट की लड़ाई रख लो, 10-10 मिनट की। क्या समझता मुझे? बस कर दे, बहुत मारेगा, आजा। हम क्या समझेंगे, तुम किसी समझ में आने वाली हो रो तू? सतिया ना जाए, जा रही होती पीछे से लग रहा गाड़ियों में शीशे साफ करने। मेरे को नहीं मरवा, चल यहाँ।
सुसर अब्बा साफ अम्मा कहा हो तुम लोग सुसर अब्बा क्या हुआ सब ये लो तलाक के कागजात जी वकील ने सारी इंतजामात पूरे कर दिए बाकी कोर्ट इसमें साइन करवा लो कोर्ट में जाने के बाद सारी बातें आया हो जाएंगी साइन जरूरी है ताकि तलाक का जो है ना प्रोसेस कामयाब हो सके वेरी गुड सर वेरी गुड हाँ शकील ये बात कर दे इस पे दस्तखत तलाक के कागज पे तेरे लिए तो सिर्फ एक दस्तखत है लेकिन जब इस तलाक नामे पर सलीम साइन करेगा ना तलाक के तेरी बहन के लिए तो वो सिर्फ दस्तखत नहीं होंगे हमारे खानदान की माथे पर बेशर्मी का वो निशान होगा जिसे हम जिंदगी भर नहीं मिटा सकेंगे ले कर दे तलाक के कागज पर दस्तखत कर दे शकील मैं तो अंगूठा छाप हूं और मैंने कब बोला तलाक का इनने मेरे को चढ़ाया था तलाक दे दे तेरे को नई कंचा पीस दिलाऊंगा किसने मेरे को एल्बम में दिखाई थी अब्बा आधी जली हुई लड़की की क्या मतलब? बहुत खूबसूरत है सफदर ने कहा था सफदर ने चढ़ाया मेरे को मैं तो मासूम अब्बा तुम्हें पता है तू तलाक नहीं देना चाहता मैं अब्बा ऐसी बीवी मिलेगी तौबा कर सफदर ये मैं क्या सुन रहा हूँ मैं ये तू अरे दामाद दामाद तो बेटे की जगह होते हैं तू कैसा दामाद है तू कैसा बेटा है कि अपने ही घर को तूने आग लगाने लगा तू मैं आग लगा रहा तो तुम्हारी चीखें उठ गईं तुम्हारी बेटी से पूछो मेरी भी तो अकलौती मां थी उसका मैं अकलौता वारिस एक बेवा मां जिसका एक कमाऊ पूत उसको उसने मारा पीटा नफ्सियाती बनाकर ईदी के होम ओल्ड होम में छोड़ आई जब तुम्हें ख्याल नहीं आया और अब तुम्हारे पे आई है तो कह रहे सफदर ये क्या हुआ सोचो ठीक है अगर आप ये चाहते हो कि मैं यहां नहीं रहूं तो नहीं रहूंगा लेकिन आप लोगों ने आपकी बेटी ने भी मेरे साथ कोई अच्छा नहीं किया छोड़ जाता हूं ये घर संभालो अपनी बेटी को रुक जाओ सफदर तुम्हारी बातों ने मेरी आंखें खोल दी है अपनी अमानत अपने साथ लेकर जाओ सफदर एक बात याद रखना बेटा जो बेटियां अपने सास ससुर की इज्जत करती हैं अपने माँ बाप की तरह उनका कहना मानती हैं उनकी खिदमत करती हैं बेटा वो बेटियां सारी जिंदगी खुशियां ही खुशियां समेटती हैं बेटा मुझसे गलती हो गई मैं शर्मिंदा हूँ अपनी गलती पर बेटा अपनी सास को के पास जाना सबसे पहले माफी मांगना और इन्हें इज्जत से अपने घर लेकर आना बेटा सुनिए आप भी मुझे माफ कर दे मुझसे गलती हो गई हाँ हम पहले अम्मी के पास जाएंगे और उन्हें साथ लेकर फिर घर जाएंगे ठीक है अरे नहीं माँ बहन क्या हो गया नैना बहन मुझे माफ कर दो मैंने बहुत दिल दुखाया है तुम्हारा मैं ये भूल गई थी कि जिन बेटियों को बहू बनाकर लेकर घर जाते हैं वो भी अपनी ही बेटियों की तरह होती है मैं पहले ही से बहू बनाकर ले गई थी आज मैं इसे अपनी बेटी बनाकर ले जा रही हूँ अब ले आना क्या कर रही है देर कर रही है ले आ चलो भाई बहुत बहुत मुबारक हो शकील हाँ उसको भेज दे हमीदा को यहाँ नहीं एक महीना बाद आएगी चलो एक साल बाद भेज बहुत कमीना जा चल आ जा भाई शुक्र अब्बा हाँ इधर आ अम्मा क्या बात है तुम्हारी बीवी है अच्छी बहू बनना हू बहू नहीं बनना